लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तूने मुझे नाश्ता दे दिया, रंजीत को दे दिया और बच्चों को। बाबूजी, आज से इन दोनों का नाश्ता और खाना बिल्कुल बंद। क्यों? Why? किस लिए? हाँ भाई, किस लिए? बाबूजी, आपने इनकी मार्कशीट देखी है? किसी सब्जेक्ट में 10 में से 6 है तो किसी सब्जेक्ट में 10 में से 4 और मैथमेटिक्स में तो 0 है, 0 अंडा। क्यों नालायक हो? जवाब दो, इतने कम नंबर क्यों लाए हो? बस इसीलिए इन दोनों का नाश्ता और खाना बंद कर रखा है मैंने। इसका मतलब है कि शेर को भूखा रखेंगे? शेर को? यानी तुम्हारे बाबूजी को? वो क्यों भूखे रहेंगे? क्योंकि ये मार्कशीट जो आपके हाथ में है वो उन्हीं की है। हाँ? ओए, तो ये मार्कशीट मेरे बेटे जस्सी के स्कूल के टाइम का है? जी हाँ दादाजी, ये बाबूजी के बचपन की मेहनत के कारनामे है। छिपा के ट्रंक में रखा था। तो बच्चों, तुम्हारी मार्कशीट कहाँ है? ये रही हमारी मार्कशीट, मुझे 80% मिले हैं और अभी 85% मिले हैं। ओए नलायक, 27 साल से मुझसे ये राज छुपा के रखा हुआ था। आने दो जरा उसको नीचे। उसके बाल मुंडवा के गंजाना कर दिया तो मेरा नाम भी हेड ऑफ दी फैमिली नहीं है। ओए आ गया, वो तो आ गया। हाँ। क्यों बाबूजी, किसको गंजा करवा रहे हैं? वो क्या वो, बोलो ना। अरे बचपन में जब तेरा सर मुंडवाया था ना तो तेरी फोटो बिल्कुल वैसी आई थी जैसी तेरी शक्ल है। सुना आपने? अपनी नीतू को 80% और रवि को 85% मिले हैं। तो इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? जब मैं पढ़ता था ना तो 95% 97% मार्क्स मिला करते थे। दादाजी फेंका। क्या फेंका? वो पुराने कपड़े थे ना, वो सब फेंक दिए। और मैथमेटिक्स में तो 99% मिले थे। दादाजी लपेटा। क्या लपेटा? नहीं, वो कपड़े जो फेंके थे ना उनको लपेट के फेंका था। अब कम से कम आइंदा मेहनत करके मेरी तरह अच्छे मार्क्स लेकर आना, समझे? ओ गॉड, ये क्या हुआ मुझे? ओ जीसस, व्हाई आई एम नॉट एबल टू गेट आउट। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अरे, घर की दीवारों को मेरा ख्याल है मगर तुम लोग कुछ नहीं। लेकिन स्टीवन, तुम्हें हुआ क्या है? अरे मैं ठीक से सो रहा था, उठा तो पता नहीं क्या हुआ, ट्रक से टक्कर लगने के बाद सड़क का खंबा जैसे झुक जाता है, वैसे ही मेरी मेरी कमर भी झुक गई है। ठीक है, मैं दूध में हल्दी मिक्स करके लाती हूँ। गॉड ब्लेस हल्दी, हल्दी इज हेल्दी। अरे हल्दी से कुछ नहीं होगा मम्मी, मैं फौरन डॉक्टर को बुलाता हूँ। पर नो इंजेक्शन प्लीज, चुपता है। फ्लोरेंस, तुम भी कुछ करो ना। हाँ करती हूँ, अभी करती हूँ। 1, 2, 3, 4 अरे अरे अरे, दर्द दर्द एकदम चला गया। ग्रैंडपा, जब दर्द था ही नहीं तो जाएगा कहाँ? नहीं नहीं, पहले था, जैसे ही तुमने 1, 2, 3, 4 बोला एकदम चला गया। यू आर ए जीनियस। जीनियस मैं नहीं, आप हैं, जो कि इस उम्र में भी बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। बेटी, जैसे बचपन में चॉकलेट के लिए तुम भूख लगने की एक्टिंग करती थी ना, वैसे ही बुढ़ापे में मैं तुम लोगों से अटेंशन पाने के लिए कमर में दर्द का नाटक कर रहा था।
मर गया। अरे भाई रुक जा रुक जा। बाबूजी मैं अंदर आ सकता हूँ? आजा भाई आजा, क्या बात है? बाबूजी मेरे को जरा पता कहाँ है बताएंगे? मैंने वहाँ फूल पहुँचाने हैं। स्ट्रीट नंबर 7 हाउस नंबर 44 स्टीवन डिसूजा। ओए कुत्ते के पुत्र, मुझसे स्टीवन डिसूजा का पता पूछने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो तूने मेरे घर का एड्रेस उससे पूछा? पूछा। उसने दिया? हाँ, लेकिन थप्पड़। किस गाल पे? इस गाल पे। How dare you ask my address from that? Get down! देखो महाराज, इन दोनों की दुश्मनी का पावर है, महकते फूलों में भी आग लगा सकता है इनका गुस्सा। जरा सोचो महाराज, आज आप टेम्पो में फूल लेकर आए तो आपके दोनों गालों में सांटे पड़ गए। अगर आप गैस सिलेंडर लाए होते तो आपकी बॉडी तो पूरा पट हवा में उड़ गई होती। मगर ये इनकी कैसी दुश्मनी है? अरे महाराज, ये तो टेलर है, इनके पेटों से मिलोगे तो पूरी फिल्म दिख जाएगी, एक्शन और बाधार से भरपूर। किधर गए महाराज? हमारी गाड़ी उस गाड़ी से पीछे नहीं रहनी चाहिए। उस साले की गाड़ी हमारी गाड़ी से आगे नहीं निकलनी चाहिए। जल्दी ओवरटेक करो उसे। और पे चला। हमको मात नहीं खानी है बल्ली, हमारी गाड़ी उस साले की गाड़ी से आगे निकलनी चाहिए। देखते जाओ महाराज। स्पीड बढ़ाओ, ओवरटेक करो। और तेज। हाँ शाबाश बल्ली, अब देखते हैं साला क्या करता है। बल्ली के बच्चे, जितवा दिया ना हरामखोर को। हे भगवान, इनके झगड़ों ने तो नाक में दम कर रखा है यार। एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। भैया लगता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी दोस्ती में बदल सकती है, लेकिन इनकी तौबा तौबा, अब तो भगवान ही कुछ कर सकता है भैया। लेकिन ये आपस में लड़ते क्यों है यार? इसलिए कि एक क्रिश्चियन है और दूसरा हिंदू? अरे भैया, मेरे पिताजी बताते थे कि ये परिवार सबसे अच्छा दोस्त था। मैरी क्रिसमस। सब एक साथ खाते पीते थे, एक साथ उठते बैठते थे, एक साथ खेलते थे मेरे भाई। क्रिश्चियन परिवार में एंथनी नाम का लड़का था, मोसेस उसका बड़ा भाई था। उसी तरह से हिंदू परिवार में अंजलि नाम की लड़की थी, जस्सी उसका बड़ा भाई था। अंजलि, इन सब में बहुत दोस्ती थी। उसी तरह से अंजलि और एंथनी में भी दोस्ती हो गई, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी दोस्ती में परिवर्तन आ गया। मतलब? मतलब ये कि इनको एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, वही जो होता है भैया, इनके प्यार के बारे में इनके परिवार वालों को मालूम पड़ गया। चूंकि अंजलि की शादी पहले से कहीं तय थी, इसलिए हिंदू परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। भैया दोनों परिवारों में वो झगड़ा हुआ कि पूछो मत, लेकिन एंथनी और अंजलि पर इन झगड़ों का कोई असर नहीं हुआ। एक दूसरे से प्रेम करते थे ना, इसलिए उनका प्रेम उन्हें अपने परिवारों से दूर ले गया और घर से भागकर उन दोनों ने शादी कर ली।
इस बात को 27 साल हो गए, उनकी तरफ से ना खत ना खबर। वो दोनों तो शादी के बंधन में बंधकर चले गए, कहते हैं दिल्ली में है, लेकिन यहाँ इन दो परिवारों के बीच में जो प्यार का बंधन था वो हमेशा के लिए टूट गया। हमेशा के लिए? और क्या, अब जितना एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे नफरत तो उतनी बढ़ेगी। फिर ये आपस में दोस्त नहीं बन सकते? अरे भैया, अब तो कोई चमत्कार ही इन दो परिवारों को एक कर सकता है। पोस्टमैन आया भाई, आया। सुना भी तुलसीराम की हाल है? बस ठीक हूँ बाबूजी। हाँ लिया। पोस्टमैन हमारे वास्ते लेकर आया? जी मैडम। किधर से? नई दिल्ली से कोई राजा है। न्यू दिल्ली से राजा? किसकी चिट्ठी है बाबूजी? अंजलि के बेटे की। अंजलि? कौन अंजलि? अंजलि, ओए जस्सी तेरी बहन। अंजलि की चिट्ठी आई है 27 साल बाद। रंजीत भैया, रंजीत भैया, पापा के सिस्टर की चिट्ठी आई है। पढ़कर देखिए ना अंजलि ने क्या लिखा है। अरे अंजलि ने नहीं, उसके बेटे ने। पढ़िए ना। पूजनीय नाना जी, नानी जी, मामा जी, मामी जी, सबको मेरा सादर प्रणाम। बड़ा या प्रणाम करने वाला। बहुत दिनों से मन चाह रहा था कि आप लोगों को देखूं, मिलूं और आप लोगों का प्यार पाऊं। प्यार पाऊं, ये मेरी ख्वाहिश अब जाकर पूरी हो रही है। कल ही मैं आपके घर आ रहा हूं, आपका अपना राजा। आनंदों से बजाता हूं उसका बाजा। मम्मी मम्मी, ये राजा हम तीनों का क्या लगा? बेटा वो आपका कजिन ब्रदर है। ए लाजो चुप, क्या उल्टा सीधा सिखा रही है ने? लेकिन रिश्ते में तो राजा इनका भाई, आप मामा और मैं मामी लगते। ए बस चुप, कैसा रिश्ता? जिस दिन मेरी बात ना मानकर वो उस क्रिश्चियन लड़के के साथ भाग गई, उसी दिन से उसका इस घर से नाता रिश्ता टूट गया था। बाबूजी समझा दो उन सबको, अगर किसी ने भी उससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश की या उस भगोनी के बेटे को घर में घुसने दिया तो उसे भी इस घर से जाना होगा। कोई रिश्ता नहीं है उसका हमारे साथ, इसलिए उसका साया भी इस घर पर नहीं पड़ना चाहिए। अंडरस्टूड? ये मुझे इसकी माँ, मैं क्या देख रहा हूँ? What am I seeing? ग्रैंडमा, ग्रैंडमा उधर है। आइए, ये रही ग्रैंडमा। रोजी? या रोजी, मैं पूछता हूँ इस घर में बुड्ढा कौन है? मैं या मोजेस? तुम? तो फिर किसको घर में घुसने देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये फैसला मैं करूंगा। यू अंडरस्टैंड? मेरा फैसला ये है कि वो लड़का मेरे घर में कदम भी नहीं रखेगा। और अगर रखेगा तो उसकी हड्डियां तोड़ देंगे। That's all. Now I am going to complete my bath. Grandma, ये किसकी फोटो है? My grandson राजा। कलगी में मोती है, मोती में ज्योति। चेहरे पे सहरा है, सहरे पे कलगी। कलगी में मोती है, मोती में ज्योति। ज्योति में जैसे खुशी मुस्कुराई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, नसीबों से ये दिन है आया।
किस्मत ने बनने का सहरा दिखाया, जिसमें है चंपा चमेली की कलियां। बारात निकली तो महकी है गलियां, खुशबू ने जैसे खुशबू ने जैसे ली अंगड़ाई हो। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो प्यारी, दोनों की जोड़ी होगी ऐसी न्यारी। सूरज की चंदा से हो, सूरज की चंदा से जैसे सगाई हो। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। थैंक यू राजा भैया, ये तो अच्छा हुआ कि तुम हम बारातियों की बस में गलती से चढ़ गए। यकीन ही नहीं आता, कल तक तुम पराए थे और आज अपने हो। राजा थोड़ा रुक जाओ ना, लड़की वालों के यहाँ भी ऐसी रौनक लगा दो ना। जरूर रुक जाते लेकिन क्या करूँ, कुछ रास्ते मुझे बुला रहे हैं, चलता हूँ। नमस्ते राजा। अच्छा हुआ भारत की बस में लिफ्ट मिल गई, वरना तीन दिन तक नहीं पहुंच पाते। दादी माँ राजा भैया आ गए। नाना जी प्रणाम मामा जी। मामा जी राजा चिक डाल दिया, चिक चिक करने से कोई फायदा नहीं। ग्रैंडपा हेलो अंकल। राजा दोनों दरवाजे बंद हो गए, अब क्या करें? अरे तीसरा दरवाजा तो खुला है। कौन सा है? अकल का बेवकूफ, अकल का। पापा जी जी, इस गली में मकान किराए पे मिलेगा? अरे इस गली में तो क्या, पूरे गांव में तुम्हें कहीं पर किराए पे मकान नहीं मिलेगा। क्यों पापा जी? अरे कह दिया ना नहीं मिलेगा, चले आते हैं पता नहीं कहां कहां से। रखी, बाकी सब तो फिल्म के जूनियर आर्टिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लग रहा है। अरे भाई धुआ प्रसाद जी, कैसे हो, क्या हाल चाल है? आप कौन है महाराज? आपका नाम धुआ प्रसाद है ना? किसने कहा, कौन कहता है? अरे भाई
हाथ में गदा होती तो भीम कहते, पूछ होती तो हनुमान कहते, हाथ में सिगरेट है इसलिए धुआं प्रसाद बोल रहे हैं। ये महाराज, मेरा नाम बल्ली है बल्ली। अरे बल्ली हो या फल्ली क्या फर्क पड़ता है, मैं तो आपको ये बताना चाहता था, चलिए होटल में चलते हैं। याद है पिछले महीने हम लोग वैष्णो देवी मिले थे और वहाँ जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी की बोलियां लगाई थी। लेकिन महाराज मैं तो वैष्णो देवी कभी गया नहीं। या क्या फर्क पड़ता है, चलिए बैठिए बैठिए बैठिए। और कटरा में बैठकर हमने बूंदी के लड्डू खाए थे। अरे भैया जरा लड्डू लेकर आना। ओ महाराज लड्डू मत मांगो, मैं खा नहीं सकता, मेरे को शुगर की बीमारी है। शुगर की बीमारी? हाँ महाराज, तीखा खाता हूँ तो अल्सर हो जाता है, खट्टा खाता हूँ तो खांसी हो जाती है, नमक खाता हूँ तो बीपी बढ़ जाती है, आइसक्रीम खाता हूँ तो जुकाम हो जाता है, और कोल्ड ड्रिंक्स पीता हूँ महाराज तो दबा हो जाता है। इतनी सारी बीमारियाँ फिर भी सिगरेट पीते हो? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। क्या करूँ महाराज, सिगरेट का धुआं ही मेरा ब्रेकफास्ट है, मेरा लंच है, मेरा डिनर है, दमा होने के बाद भी इसके सुट्टे मारता रहता हूँ महाराज। राजा मैकर मिल गया। वो कैसे? इसको इतनी सारी बीमारी है, बहुत जल्दी ऊपर जाएगा, जैसे ऊपर जाएगा वैसे हम इसके घर में घुस जाएंगे। ये महाराज कि हमें यहाँ कोई रहने के लिए मकान क्यों नहीं दे रहा? ओ महाराज आप जानते नहीं, आपके मामा जी और चाचा जी ने सबको वार्निंग दे रखी है कि जिसने भी आपको यहाँ रहने को जगह दी उसकी खैर नहीं, इसलिए समझने वाली बात यह है महाराज कि जैसे आप यहाँ आए वैसे यहाँ से वापस चले जाए, इसी में आपकी खैरियत है। चलता हूँ महाराज। जय राम जी। अटेंशन अटेंशन बोथ द फैमिलीज, अगर आप लोग जिद्दी हैं तो मैं भी जिद्दी हूं, मेरी रगों में भी आप लोगों का ही खून दौड़ रहा है। अगर आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया, इफ यू डोंट एक्सेप्ट मी, तो मैं इसी मोहल्ले में इसी गली में डेरा डाल के बैठा रहूंगा। और ये मेरा चैलेंज है। सॉरी थोड़े इमोशनल हो गया। सुन लिया आप लोगों ने? वो राजा भैया घर के बाहर ही बैठे हैं। घर के बाहर ही बैठे हैं? तो हमें से क्या, हमें से क्या, तुम जाओ अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। बहू इधर इधर जल्दी आ जल्दी, तुम जरा पापड़ देखो, मैं छत पर जाकर देखती हूँ बढ़िया सूखे कि नहीं। हाँ बैठ बैठ बैठ। क्या जी? जी इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? जी वो मैं चांद के टुकड़े को देखने आई थी। चांद का टुकड़ा? हाँ, मेरा मतलब है आज पूर्णमासी है ना, मैं चांद देखने आई थी। ओ भगवान, पूर्णमासी तो 10 दिन के बाद है और चांद रात को निकलता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या देख रही है तू? चल अंदर। चेक करने गया था कि बाहर का दरवाजा बंद है कि नहीं, चेक कर लिया, दरवाजा बंद है। बाहर का दरवाजा बंद हो या ना हो, अपने दिल का दरवाजा बंद करना पड़ेगा आपको। बहुत धासु डायलॉग बोल के गया है तेरा बेटा। मुंह बंद कर दिया आपका। अरे पगली बच्चे को लेके बाहर बैठी है, 8 बजने गए, चल अंदर। ओए सेठ दुकान बंद कर, 8 बजने गए। ओए ओए ढाबा बंद कर, 8 बजने गए, 8 बजने को ढाबा बंद कर। ओए तुम लोग ताश खेलना बंद करो, 8 बजने गए। अरे चलो भागो यहाँ से, 8 बजने वाले हैं। अरे चलो भागो। वैसे ये
ये सब लोग डर के भाग क्यों रहे हैं? बात क्या है? अरे बात कुछ नहीं है, 8 बजे गुम्मन सिंह राठौर गाना गाने वाले हैं। हमारी सामत आने वाली है, मुझे छोड़ दो, मेरे भी बच्चे घर में अकेले, मुझे जाने दो। लकी, लोगों को चाकू से डराते हुए देखा, बंदूक से डराते हुए देखा है, लेकिन गाना गा के डराते हुए पहली बार देख रहा हूँ। कौन हो सकता है? वाह, क्या गाना था! ये गाना था? वाह 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 वाह! लेकिन गुरुदेव, आप रो क्यों रहे? रोना तो हमें चाहिए। क्या बताऊं बच्चों, आज जिंदगी में पहली बार मेरे संगीत को समझने वाला मेरी चौखट पे आया है, तो मेरे दिल का पैमाना छिलक उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। आप महान हो गुरुदेव, आप महान हो। मुझे जाने दो, अपने बारे में बताओ बच्चों, तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो, क्या चाहते हो? गुरुदेव, मेरा नाम लकी अय्यर, इंडिया का पहला अय्यर जो बहुत लकी है। लकी अय्यर? शक्ल सरदार की, आवाज मद्रासी की, तुम नॉर्थ इंडियन हो या साउथ इंडियन? गुरुदेव, मेरा मदर नॉर्थ इंडियन, फादर साउथ इंडियन, और मैं कंप्लीट इंडियन। तुम्हारा दोस्त काफी बोर है। हाँ, मेरा मतलब गुम्मन सिंह जी, हम लोग सुबह से इस गली में किराए के मकान के लिए भटक रहे हैं। क्या तुम्हें मकान देने से इनकार किया गया? हाँ गुरुदेव। किसने इनकार किया? नाम बताओ उसका। हम अभी भैराग गाकर उसकी जिंदगी में तहलका मचा देंगे। कौन है? मैं पूछता हूँ कौन है, जरा अपना नाम तो बताओ। किसने मेरे चेलों को मोहल्ले में मकान देने से इनकार किया? एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, आज के बाद मेरे चेले मेरे मकान में रहेंगे और हर रोज मेरा गाना सुनेंगे। सुनो बच्चों, ये बच्चे कहाँ गए? आप लोग थोड़ा पास पास आ जाइए। लॉरेंस, कम क्लोजर। वेरी गुड, कम क्लोजर। वेरी गुड, एवरीबॉडी स्माइल प्लीज। क्या कर रहे हैं आप लोग? शो इट टू मी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, इट्स माय बर्थडे टुडे। आई केम टू टेक योर ब्लेसिंग्स ग्रैंडपा। I got some chocolate pastries for all of y'all. Florence! Huh?
खबरदार जो हमारे लोगों के पास आने की कोशिश भी की, हमारे मुंह से तेरे लिए ब्लेसिंग्स नहीं सिर्फ बददुआएं निकल सकती हैं। वॉचमैन, व्हाई डू यू अलाउ सच पीपल टू कम इनटू द कंपाउंड ऑफ द चर्च? सर, गेट आउट। बाबूजी हर 10 दिन के बाद इस खटारे को ठीक करने के लिए बैठ जाते हो, बेच के नहीं देते से? पुत्र खटारा मत कैसे, ये तो मेरे जवानी का साथी है, और खरीदेगा कौन इस मॉडल को? तेरा बाप? मामा जी, आज मेरा जन्मदिन है, सोचा मिठाई देकर आप लोगों का आशीर्वाद ले लूं। बल्ली जी महाराज, अंदर जाओ वो लेकर आओ। क्या महाराज? महाराज जैसा कह रहे वैसा करो, जाओ। पीछे लीजिए ना मामा जी। रुको रुको रुको, इतनी जल्दी भी क्या है, वो आशीर्वाद के लिए मैंने भी अंदर से प्रसाद मंगवाया। तो आज तुम्हारा जन्मदिन है जी मामा जी। जन्म के हिसाब से राशि क्या है? हिंदू में मिथुन और अंग्रेजी में जेमिनाई। मिथुन मतलब डबल पर्सनालिटी, दोहरी शख्सियत, है ना? महाराज ये क्या है मामा जी? गंगा जल? जहर। मामा जी, मामा जी के बच्चे, तेरी माँ ने हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाया, तेरे बाप ने हमारी इज्जत उछाली, ऐसे लोगों की औलाद के हाथों से मिठाई खाना जहर खाने के बराबर है, समझे तू? अरे वो कौन सी हमारी जायदाद मांग रहा था, आशीर्वाद ही तो मांग रहा था, दे देते। मैं कहती हूँ ना, इस घर में कुछ भी ठीक नहीं है। बस क्या हुआ माँ जी? तुम एक काम करो, घर संभालो, मैं तो चली। लेकिन कहाँ? मंदिर जाकर राजा की लंबी उम्र के लिए प्रसाद चढ़ा कर आती हूँ। दादाजी पूछेंगे तो कह देना ब्यूटी पार्लर गई हूँ। थाली लीजिए पंडित जी। अरे ये बुढ़ा यहाँ क्या कर रहा है? आज मेरे नवासे का जन्मदिन है, ठीक है, उसकी लंबी उम्र के लिए एक अच्छी सी आरती कर दीजिए। लीजिए। अच्छा। ओए, ये बुढ़िया कहाँ से आ गई? क्यों जी, ये बुढ़िया किसे कह रहे थे? नहीं, बुढ़िया नहीं, मैं तो कह रहा था कि ये गुड़िया कहाँ से आ गई? और ये गुड्डा यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो हनुमान जी के दर्शन के लिए आया था। अच्छा, देवी माँ के मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के लिए आप आए थे? नहीं, हनुमान जी नहीं, मैं तो देवी माँ के नाम की पूजा करने के लिए आया था। देवी माँ के नाम की पूजा के लिए या राजा के नाम की? हाँ भगवान, मैं राजा के नाम की पूजा के लिए ही आया था। तो चलिए ना, दोनों मिलकर करते हैं। हाँ। ये लीजिए आरती। जय हो देव। भाइयों, आज हमारे नवासे का जन्मदिन है, आप लोग दिल खोल कर प्रसाद खाइए और दिल खोल कर आशीर्वाद दीजिए। मुझे प्रसाद नहीं देंगे नाना जी। दीजिए ना। ले पुत्र, आप पुत्र बैठ जाए इधर, मंदिर की पौड़ियों पे बैठना बहुत शुभ होता है। नए नक्श बिल्कुल हमारी अंजलि पर गए हैं, देखिए ना। हाँ, स्पेशली आंखें सेम टू सेम डिट्टो अंजलि जैसी है, वो भी जब हंसती थी ना तो उसकी आंखें यूं चुन्नी सी हो जाती थी। देख, बिल्कुल वैसी हो गई है। अच्छा पुत्र एक बात बता, तुम्हारी माँ कभी हम लोगों को याद भी करती है? याद करती है, सुबह दोपहर शाम सिर्फ आप लोगों का नाम लेती रहती है। ओए पुत्र, याद तो हम भी उसे बहुत करते हैं, लेकिन इस जस्सी के बच्चे ने हमारी जिंदगी तबाह कर रखी है, नाम ही नहीं लेने देता उसका। कोई बात नहीं, अब पुत्र तू आ गया है ना, सारी कमियां पूरी हो जाएंगी,
तुझे देखकर हमें ऐसा लगेगा कि हम अपनी अंजलि को देख रहे हैं। ओए बातें करती रहेगी कि पुत्र को कुछ खिलाएगी भी। नहीं नानी जी प्लीज, इतना मीठा खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा। खा पुत्र खा, कोई बात नहीं, गोल मटोल हो जाएगा तो और प्यारा लगेगा। जस्ट वन मोर बाइट। इनफ इनफ, थोड़ी सी दाल दादी माँ। प्लीज इनफ। अरे खाओ ना दादी माँ। ओह गॉड, ये सब तो मुझे पकाकर तुम्हें खिलाना चाहिए ना। दादी माँ, जो आनंद खिलाने में आता वो खाने में नहीं आता। God bless you, my son. देखा, आनंद तो आ ही रहा था, अब आपका ब्लेसिंग भी मिल गया। इसे कहते हैं एक काम दो फायदे। तुम बिल्कुल तुम्हारा फादर जैसा बात करता है। हमको तुम्हारा फादर का एड्रेस चाहिए। किस लिए ग्रैंडमा? दिल्ली में जॉनसन नाम का हमारा एक रिलेटिव है, उसका एक बेटी है, यंग ब्यूटीफुल। उसका शादी, उसका शादी मैं तुम्हारा साथ, मेरे? तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे साथ फिक्स करना चाहती हूँ। मेरी शादी? यस, अपना फैमिली से तुमको मिलाने का यही रास्ता है। राजा, तुम्हारा फादर एक हिंदू लड़की से शादी किया तो पूरा फैमिली उसको हेट करने लगा, लेकिन अब तुम क्रिश्चियन लड़की से शादी कर लेगा तो स्लोली स्लोली सब तुमको लाइक करेगा, मोसेस भी तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। बोलो, इस रिश्ते का बारे में जॉनसन से बात चलाऊं? ग्रैंडमा, मैं वो क्या, एनी प्रॉब्लम? नो 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 प्रॉब्लम ग्रैंडमा। एक्सक्यूज मी ग्रैंडमा, आई थिंक समवनस एट द डोर। ग्रैंडमा, तुम्हारे वास्ते नहीं। ग्रैंडमा, बाहर ग्रैंडपा। ओह गॉड, बुड्ढा मुझे यहाँ देखेगा तो ही किल मी। कहाँ से, खिड़की से? नो नो नो, ही स्टैंडिंग आउटसाइड। गॉड, मैं पीछे के दरवाजे से निकल जाऊँ। राजा, वो शादी की बात मत भूलना। अरे ग्रैंडपा, ग्रैंडपा आप मुझे बता, आप जरूर आएंगे, अंदर आइए ना ग्रैंडपा। वेट वेट, लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर। मैं खुद आया नहीं इधर, कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया, इसलिए मैं यहाँ आया था। दैट्स व्हाई आई केम हियर, दैट्स ऑल। किधर है कुत्ता? मुझे, अरे अंधेरे में कैसे दिखेगा, कुत्ता तो काला है ना, ब्लैक डॉग। ब्लैक डॉग, ए ए ए, कुत्ते का तरह भौंकेगा, हम तेरे को काटेगा। चलिए ना ग्रैंडपा, प्लीज। व्हाई, व्हाई शुड आई कम? मैं अंदर नहीं आऊंगा। तू कौन सा कोई राजा महाराजा है? ये घर कोई ताजमहल है जो मैं टहलता हूँ, अंदर आ जाऊँ? मैं अंदर नहीं आऊंगा। ग्रैंडपा, ये आपके हाथ में क्या है? तुम्हारे लिए लाया था स्वीट्स। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, एज एन ओल्ड मैन आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे जीसस ब्लेस यू माय चाइल्ड। थैंक यू ग्रैंडपा। दादाजी, कुत्ते का बहाना ही सही, आपका प्यार आपको यहाँ खींच लाया ना। राजा, तुम्हारा फ्रेंड ही इज अ वेरी गुड बॉय, बच के रहना इससे। आइए, स्वागतम, सुस्वागतम। आपके सामने वो गदेले रखिए, उसमें गांव तक ये रखिए, आप लोग टीका लगा कर बैठिए, मैं भी राजा को बुलाता हूँ। राजा बेटा, राजा बेटा, अरे बेटा उठ, बहुत सारे सेब केले संतरे आए। अरे बेटा, घर में बहुत सारी लड्डू मिठाई आई है। हट, ये सुबह सुबह मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये लोग तुझे देखने आए। तुझे देखने आए। हाँ पुत्र, इससे पहले कि वो रोजी की बच्ची अंग्रेजी में खिटपिट करके तुझे फंसाकर जॉनसन की बेटी के साथ तेरा रिश्ता कर दे, मैं तेरा रिश्ता अपनी बिरादरी में करना चाहती हूँ। हाँ। मेरा रिश्ता? हाँ। राजा, ये वाला हाथ बज गया तेरा बाजा। मैंने सुन लिया। अच्छा, हाँ तो कैसा लगा आप सबको हमारा राजा? लड़का तो वाकई चांद का टुकड़ा दिखता है। टुकड़ा? नहीं नहीं, ये तो अभी सो के उठा इसलिए टुकड़ा लग रहा है, नहा गया तो पूरा चांद लगेगा। यू आर राइट। पर उसके बगल में कौन है? ये चांद का दाग है, कलंक। राजा, अबे सब उधर क्या बोलता, कुछ मेरे भी कान में बोल। राजा, अगर अंकल ने दोबारा मुझे इंसल्ट किया तो उन्हीं का गाना रिकॉर्ड करके उन्हीं को सुनाऊंगा, तड़प तड़प के मरेगा। हाँ। ये मैंने नहीं सुना, उधर बोल चल। राजा, अंकल ने साहब सुना। राजा लकी, हर दादी अंदर नानी, कुछ करना पड़ेगा। Stupid. तो दिमाग ही खराब हो गया, पता नहीं सुबह से क्या क्या बकबक किए जा रही है। You are right. उसकी बातों में मत आना, हमने तेरे लिए दिल्ली में रिश्ता तय कर लिया है। Excuse me, grandma. जी नानी माँ। पुत्र, तू मेरी वाली लड़की से ही शादी करना, लड़की लाखों में एक है। हाँ, हाँ, हाँ. हाँ? एक मिनट,
तुम मेरी वाली लड़की से शादी करना, वो करोड़ों में एक है। आपको नानीमा स्टैचू, नानीमा स्टैचू। के बच्चे, मैं यहाँ फंसते जा रहा हूँ, तू ऐसे डल रहा जैसे टूरिस्ट। फिर मैं क्या करूँ यार, तू भी तो कुछ बोल। आईवा, आईवा! ये क्या कर रहा है? तूने तो बोला कुछ बोल। मैंने तुझे एडवाइस करने को बोला, एडवर्टाइज करने को नहीं बोला। मेरी मदद कर यार। ये ले बाबा, मेरा पीछा छोड़। ये क्या कॉइन? हेड या टेल करके एक को तू आकर दे, दूसरे को मैं आकर देता हूँ। समझता क्यों नहीं मैं किसी को हानि कर सकता? क्यों ऐसी बात है तो फिर बोल बोल डालू। नानी माँ, नानी माँ, मेरी शादी हो चुकी है। What? अरे पुत्र, तुमने शादी कर ली, हमें बताया तक नहीं। और बताया तो सडनली क्यों बताया? ग्रैंडमा, दिल्ली में सडनली उस लड़की से मुलाकात हुई, सडनली प्यार हुआ, सडनली शादी भी हो गई, इसलिए सडनली बताना पड़ा। चलो छड्डो जी, लड़की तो हिंदू है ना? नो नो, क्रिश्चियन होगी, है ना? लड़की ना हिंदू है ना क्रिश्चियन है, लड़की हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी संगीत तो सुना था, ये हिंदुस्तानी धर्म कहाँ से आया? अंकल, इससे बड़ा धर्म कोई हो ही नहीं सकता। एक्चुअली दादी बा, राजा की पेरेंट्स की तरह लड़की का माँ हिंदू और फादर क्रिश्चियन, तो हो गए ना हिंदुस्तानी। चलो छड्डो जी, वैसे लड़की का नाम क्या है पुत्र? नाम 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 क्या भाई? बंतो। बंतो बंतो बेटी बेटी बंतो बेटी, हिंदू भी है क्रिश्चियन भी है। बड़ा सुंदर नाम है, हम उसे प्यार से बंतो बेटी कहा करेंगे। Sagapa mama manire magaga gadha sagare re gare nisa rag banke pyar chaye जिंदगी भी गुनगुनाए, राग बन के प्यार छाए, जिंदगी भी गुनगुनाए, मन क्यों ना गीत गाए, पानी धा मेरे मन गाए जा। मेरे मन गाए जा, गाए जो हम प्यार की सरगम, ताल है गूंजी धड़कन धड़कन धड़कन। हे हे हे, राग बन के प्यार छाए, जिंदगी भी गुनगुनाए। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। मेरी तरह अच्छा गाता है ना? अरे ठहरो, कहाँ जा रहे हो? ये मेरा चेला है, मैंने सिखाया इसको। हाँ पर बेटा, वो राग बन के वो ठीक से उठा नहीं। कोई बात नहीं, जा तुम लोग कल काम करते हैं। जब तू सुबह उठेगा ना, तो तुझे आराम से बिठा कर बताऊंगा कि सुर कैसे उठाया जाता है। अरे अच्छी सूरत है, गंदी आवाज है, क्या कर रहे हो? मेरी नकल करो। ये सुर है, अब आए सुर में गाओ। अरे राजा, राजा तेरी चिट्ठी आई है। मेरी चिट्ठी क्या है?
मैं सिखा रहा हूँ ना, जा कर रहे हो भग। बस अब रियाज बंद। क्यों अंकल? हमारे खानदान की परंपरा है कि जब रियाज के दौरान चिट्ठी आती है तो रियाज बंद करना पड़ता है। ए, देख तो सही किसकी चिट्ठी है। इसकी धर्म पत्नी मंतो बेटी की है। मंतो बेटी, उसकी चिट्ठी कैसे आ गई? राजा, चिट्ठी आने पर इतना चौंक रहे हो, जब वो खुद आएगी तब क्या होगा? लकी के बच्चे, ये क्या चक्कर है? राजा, ये लव लेटर मैंने ही लिखा है और मैंने ही पोस्ट किया ताकि बुट्टे को यकीन हो जाए कि तुम 100% शादीशुदा हो। अरे तुम दोनों बाहर बैठ के क्या राग अलाप रहे हो? पढ़ो तो सी क्या लिखा चिट्ठी में। पढ़ रहे हैं अंकल, पढ़ रहे हैं। आपकी बीवी बंतो बेटी का प्यार, मैं यहाँ अच्छी हूँ और मुझे शक है कि आप भी अच्छे होंगे। आगे खबर ये है कि मुझे तुम्हारी बिल्कुल चिंता नहीं है क्योंकि मुझे पता है आप लक्की जैसे पुरुषोत्तम इंसान की देखरेख में हो। ऐसा अच्छा शख्स तुम्हारा दोस्त है, ये मेरी खुशकिस्मती है। अबे तू दोस्त इसका है तो इसमें उसकी क्या खुशकिस्मती हुई बे? अफेक्शन अंकल, अफेक्शन। काय का इन्फेक्शन? मैं जानती हूँ आप मुझसे दूर रहकर कितने दुखी है, उसी तरह मैं भी लक्की से बिछड़ कर बहुत दुखी हूँ। अबे ये हो क्या रहा यार, ये चिट्ठी लिखी किसकी पत्नी ने? तेरी पत्नी ने कि इसकी पत्नी ने? अंकल, इसकी उसके का हम फर्क ही नहीं रखते। पत्नी चाहे जिसकी भी हो, उसे उतना ही मानते हैं। अब मैं पढ़ूंगा। आगे समाचार ये है डार्लिंग कि हमारी पिंकी ने फिर से एक बच्चे को जन्म दिया है। उसका नाम जो भी रखना है जल्दी से लिख कर भेज दो। लकी, हमारे लिए सब कुछ घुमन अंकल ही हैं, राइट? क्यों नाम उसका नाम घुमन ही रख दे? देखा, लोग अपने बच्चों का नाम मेरे नाम पे रखने में कितना गर्व महसूस करते हैं। बेटा, ये पिंकी किसका नाम है? इसकी वाइफ की कुतिया का नाम है। खामोश, ये बात मैंने नहीं सुनी। लाओ ये चिट्ठी, मैं पढ़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं पढ़ सकते। क्यों अंकल? इसके बाद बहुत सारी प्राइवेट बातें लिखी है जो की सिर्फ एक पति पत्नी पढ़ सकते हैं। इंडिया रूम कॉल्ड द बेडरूम, मतलब वो वाली बात है। सारे गामा ओए लकी के बच्चे, जल्दी आ। ये झूठ पे झूठ बोलकर नकली चिट्ठियां डालने का नाटक कब तक करते रहेंगे हम? हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए राजा, इससे पहले कि हमारे सर पे कोई दूसरा प्रॉब्लम आ जाए। लो जी आ गए। ओए ओए, ब्रेक तो मारो। भाई साहब, मेरे पास दो बैग है, एक बैग किससे लेकर आओगे? टिप तो रखो। गुलाब पीछे पीछे अम्मा मेरी पैड़ी ना आयू ना 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 मैं क्या जी? ये घुमन सिंह राठौड़ जी का कार किधर है? एक मिनट, घुमन सिंह राठौड़ तो मैं हूँ, तू कौन? अंकल जी, पैर पकड़ के पैर ही पहना। अरे राजा भैया, राजा भैया, आपकी बीवी आ गई है। मेरी बीवी? जी हाँ, बंतो बेटी आपकी बीवी का नाम है ना? बंतो बेटी, बंतो बेटी। अरे जल्दी कीजिए, आपका इंतजार कर रही है वो। अरे ये कहाँ से टपक पड़ी? लकी, चल देखते हैं ये मेरी बीवी कौन है। महाराज फंस गए ना राजा। ये हाथ की पड़ी है, तू झटके से निकालना। तो कोशिश करो, निकल ही नहीं रहा है। तो उसे वहीं छोड़ दे। कैसे छोड़ दूँ, राइटर है ना तू, चलता क्या तू? एक अरे भैया, हम कैसे आएंगे लेकिन? अरे राजा भैया, अरे सुनिए राजा भैया। अरे ओ भैया, वो लेटर बॉक्स लेके कहाँ जा रहे हो? मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। बाल बच्चे वाला आदमी हो, सिर्फ दो बीवी है मेरी। मेरे अराइवल की खबर सुनते ही ये दिल कैसे की तरह तोड़ते हुए चले आएंगे। कैसे ओजी है? ओजी ऐसे कूर कूर के क्या देख रहे हो? अच्छा समझ गई, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं अचानक यहाँ लैंड कैसे कर गई। एक्चुअली वो क्या है ना, मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैंने दो दिन पहले वाले चिट्ठी में भी नहीं लिखा था कि मैं आ रही हूँ। मैंने भी नहीं लिखा था। ओए होए, ये क्या हो गया आपको? सुनकर कांटा क्यों हो गए हो? लकी भैया, रंग भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है ना? नहीं नहीं, अभी तक तो ठीक था, आपके आने से बदल गया। कमाल है जी, मैं कब से बकबक किए जा रही हूँ और आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे। ओ राजा, बहू के साथ क्या सड़क पे खड़े रह के बात करेगा? घर में चला। अरे आ रहे अंकल, आ रहे। चलो जी। ए, हेलो। कौन हो तुम? तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या? मैं क्या जी, एक पति को अपनी पत्नी से पब्लिकली ऐसे सवाल करना शोभा नहीं देता। पत्नी? कौन सी पत्नी, किसकी पत्नी? नहीं बेटा, अपनी पत्नी से ऐसी बातें नहीं करते। अंकल, ये कौन है ऐसे मैं जानता नहीं, इसे तो आज तक मैंने देखा ही नहीं अंकल। क्या?
बेटी तू कुछ कह रही है, ये कुछ कह रहा है, मामला क्या है? अंकल एक महीना मैं इसे दूर क्या रही तो मत बोल, ये मेरे मिस्टर और मैन की मिसेज नहीं रही। मैं पूछती हूँ ये कहाँ का इंसाफ है। ठीक है अंकल, ये अपने आप को मेरी पत्नी कहती है ना, इसे पूछे कोई सबूत है इसके पास? हाँ बेटी तेरे पास कोई सबूत है? ओजी वेद मंत्र फेरे, ये क्या काम है जो मैंने इनके साथ लिए थे? मक्की दी रोटी सरसों का साग, क्या काम सबूत है जो मैंने इनके लिए बनाए थे? बेटी ये सब करते हुए तूने कोई वीडियो टेप उतारा था? टेप? हाँ आजकल उसी से तहलका मचता है। ओजी टेप गया भाड़ में, सबूत नंबर वन लाइव आपके सामने खड़ी है, सबूत नंबर टू लाइव मेरे सामने खड़ा है। आखिर आप चाहते क्या है कि मैं पुराने हिंदी फिल्मों की तरह ये प्रूफ करके दिखाओ कि जो अंगूठी मैंने पहन रखी है वैसे इन्होंने भी पहन रखी है और इनके पीठ पे कौन सा दिल है? नहीं अंकल, मैं आज के जमाने की कॉन्फिडेंट लड़की हूँ और मैंने वो क्या कहना पिक्चर भी देखी है, इसलिए देखो जी आप मुझे फुलन फाले बता दो कि मैं आपकी बीवी हूँ कि नहीं। नहीं हो। अंकल कुआं की तरह क्यों पुत्र प्यास लगी है? नहीं कूदना है। ना पुत्र तू कॉन्फिडेंट लड़की है, ऐसी लड़कियाँ खुद नहीं कूदती, सामने वाले को कूदाती है। कूदा टूट चुका है, मैं कूदूंगी। ना पुत्र तेरे कूदने की नहीं खेलने के दिन है। नहीं अंकल मुझे कूदना बात, है। बात मैं तेरी प्रॉब्लम समझ गया, ओए मैं इसको पिछाड़ गया हूँ, ये कौन है? पिछले बहू का सामान उठा और चल अंदर, आ जा चल पुत्र मैं देखता हूँ। मैं क्या जी, कितना सोना कितना प्यारा कितना ब्यूटीफुल कमरा है, खिड़की भी है पहाड़ भी और बगैर फूल वाले झाड़ भी। ए लड़की अभी भी वक्त है, सच सच बता दे तू है कौन। ओ जी इसमें बताना क्या है, सच सच में मैं आपकी वाइफ हूँ और आप मेरे हस्बैंड हैं। बकवास बंद करो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों से पीछा कैसे छुड़ाया जाता है। ओ गॉड, आप मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं? मैं समझ गई, आपने मेरे एब्सेंस में किसी 7-8 टाइप लड़की को रख लिया हमारे बेडरूम में। अयो जी रोने का नहीं, प्लीज डोंट क्राई। थैंक यू लक्की भैया। भैया लक्की भैया आप तो उनके फ्रेंड हो ना, कम से कम आप तो मेरी हेल्प कर सकते हो, इनसे ये तो पूछ सकते हो ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, ऐसा क्यों कर रहे हैं यार। देखो लाइफ में कभी कभार पत्नी पत्नी ना भी हो तो फर्क चीजों से पत्नी मान लेना चाहिए। क्यों मान लेना चाहिए, क्यों मान लेना चाहिए लकी? ओफो डिब्बे भैया, मेरा एक हाथ तुम्हारे मुँह में फंस गया और अगर मेरा दूसरा हाथ पति पत्नी के मुँह में फंस गया तो मैं किस हाथ से खाना खाऊंगा? किसे कहा पति पत्नी, किसे कहा पति पत्नी? देखो मेरा प्रॉब्लम ये है, तुम्हारा प्रॉब्लम ये है, मैं बाहर जाके मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तुम अंदर रह के तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करना। ओके बाय बाय। लकी तो चला गया, क्यों ना दरवाजे को बंद करके खिड़की पे बैठ के ब्राउन ब्राउन झाड़ियों को देखकर रोमांटिक टाइप की बातें करे। मेरा पैर। You bloody! In 2 minutes you get lost from here. ओए होए, आज तो ब्लडी कब की लॉस्ट ही हो चुकी हूँ। राग बन के प्यार छाए जिंदगी भी गुनगुनाए, राग बन के प्यार छाए जिंदगी भी गुनगुनाए, मन क्यों ना गीत गाए पनिधा मेरे मन गाए जा सपना हा? इस गाने के बारे में तुम्हें कैसे मालूम? ओजी कमाल करते हैं आप, मालूम कैसे नहीं होगा? शादी से पहले जब हमारा चक्कर चल रहा था तो सेम टू सेम डिटो यही गाना तो गाया करते थे आप। लकी भैया अब आप ही बताइए, पत्नी को पति के पसंद के बारे में मालूम नहीं होगा तो हो कॉलर पत्नी और पत्नी। जय हो भाभी जय हो। चुप है, निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया, राजा राजा भी निकल गए। ओए राग बन के प्यार छाए जिंदगी भी गुनगुनाए, राग बन के प्यार छाए जिंदगी भी गुनगुनाए, मन क्यों ना गीत गाए पनिधा मेरे मन गाए जा सपना।
बस हम तुम हो और सारी सुरीली बातें हो। चमकीले हो दिन रंगी शामें और झिलमिल करती रातें हो। दुनिया को भूल के सपनों में झूल के झूले हम आसमां मेरे बा। हाँ हमको ये रास्ता बुलाए राग बन के प्यार छाए जिंदगी भी गुनगुनाए। राग बनके प्यार छाए जिंदगी भी गुनगुनाए। मन क्यों ना गीत गाए पानी था मेरे मन गाए जा। सपनों ने सुर सजाए पानी था मेरे मन जो हम प्यार की सरगम ताल है गूंजी धड़कन धड़कन धड़कन। हमको वो ये जाने शायद हम दोनों हैं दीवाने। लोग हैं राग हो ऐसे हम तुम है क्यों गुनगुनाए। मन क्यों ना गीत गाए पानी था मेरे मन गाए जा। सपनों ने सुर सजाए पानी था मेरे मन गाए जा। गाए जो हम प्यार की सरगम ताल है गूंजी धड़कन धड़कन धड़कन। ये सारा झंझट तेरी वजह से हुआ लकी। ए, मेरी वजह से? मेरे में इतना पावर होता है तो ऐसा खूबसूरत झंझट खुद के लिए ढूंढने लिए होता है। अरे अंकल बनने का दिन सर पे आ गया, अभी तो कोई आंटी मिला ही नहीं। हमको सब पसंद है लेकिन कोई आंटी हमको पसंद है। देखो राजा ये आंटी छत पे किसको ढूंढता ढूंढता। जरा देखो तो। अयो राजा ये दूसरा वाला आंटी भी छत पे विदाउट अंकल किसको ढूंढता ढूंढता। व्हाट अ लवली। लकी कुछ समझा? समझा समझा, अपनी बहू को देखना चाहती है दोनों की दोनों फैमिली। दोनों की दोनों फैमिलीज, हम दोनों परिवारों को एक दूसरे के करीब ला सकते हैं अपनी बहू से मिलवाने के बहाने। एक दूसरी बात कहूं लकी? क्या? हम ये तरीका अपनाएंगे नहीं।
पर क्यों राजा? क्योंकि ऐसे तो ये लड़की बेअकल, बेअदब, बेहया। करेक्ट, बेहया और बदमाश लड़की को मेरी रजामंदी मिल जाएगी, फिर तो ये पत्नी की मोहर लगा के हमेशा के लिए मेरे गले पड़ जाएगी फंदा बन के, फिर कौन झेलेगा इसे? ऐसा अनपढ़ गवार लड़की मेरा डबल एम एम एस सी राजा के लिए कभी नहीं। ओ बंतो बेटी, ओ बेटा बरसात में तू क्या खाना कर रही है? अंकल, जिन लोगों के दिमाग का पेट ढीला होता ना, वही ऐसी हरकत करते हैं। अरे, मेरे सर्टिफिकेट्स कहाँ चले गए? अंकल, हाँ? अंकल, ड्रॉज में मेरे सर्टिफिकेट्स थे, वो किसने ले लिए? भाई, मुझसे पूछना तो संगीत के बारे में पूछ, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट मैं नहीं जानता। हाँ, बंतो बेटी ने शायद कबाड़ साफ किया है, उसको पता होगा। एक्सक्यूज मी, सुनिए, वो मेरे सर्टिफिकेट्स ड्रॉज में थे, वो तुमने कहाँ रख दिए? अच्छा अच्छा, मतलब वो कागज के टुकड़े? कागज के टुकड़े? कमाल करती हो जी, मैं तो आपको बड़ा इंटेलिजेंट समझती थी, लेकिन आपको तो इतना भी नहीं पता कि रद्दी को रद्दी की जगह पे रखना चाहिए। रद्दी? अरे उन सर्टिफिकेट्स के पीछे कितनी दिन रात की मेहनत है, कितना संघर्ष है, तुम नहीं समझोगी। तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तो बेअकल, बेअदब, बेवकूफ हूँ, अब मुझे क्या पता कि रद्दी कौन सी और सर्टिफिकेट्स कौन से। तो गुम्मन अंकल के तबले को आज देनी थी तो? नहीं, ऐसा नहीं किया ना तुमने? नहीं, ऐसा सोचा था कि सर्टिफिकेट्स को आग लगा के, लेकिन ऐसा नहीं किया ना तुमने? हाँ, क्यों बताए? देखो जल्दी से बताओ वरना चुटिया पकड़ के गला घोटूंगा मैं तुम्हारा। अरे लो, गुम्मन अंकल भी आ गए। गुम्मन अंकल बंतो की बच्ची, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी चुटिया पकड़ के तुझे हाथ भी देती तो मेरा नाम भी राजा नहीं। ए मिस्टर, आप बंतो बेटी के पति हैं क्या? किसने कहा? अरे उन्होंने ही कहा है कि दरवाजे के बाहर जो चपरासी की तरह पहरा दे रहा है वो मेरा पति है। ऐसा कहा उसने? ए मिस्टर, बिहेव योरसेल्फ। सॉरी सिस्टर। जाइए, दवाइयां लेके आइए, जाइए। ओके। डोंट वरी, पैर में ज्यादा सी मोच आई है और कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं शाम तक ठीक तो हो जाऊंगी ना? अरे शाम तक तो आप माधुरी दीक्षित की तरह डांस करने लगेंगी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो श्री देवी की फैन हूँ। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। अरे बेरहमो, जालिमो, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हिरनी की तरह उछलती कूदती एक मासूम बच्ची की टांग निकल गई, अब दूसरी टांग तुम्हारा बाप ला के देगा। हम कहाँ से लाए अंकल, मुर्गी की टांग होती तो होटल शेरे पंजाब से ले आते। क्या बोला? हमारे पास एक्स्ट्रा तो हम सैक्रिफाइस कर देते हैं। तू चुप कर है, सरदार की शक्ल में मद्रासी, तुम्हारी इन्हीं कमीनी हरकतों की वजह से मैं तुमको तिहाड़ जेल भिजवा सकता हूँ। नहीं नहीं गुमन अंकल, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज, अगर ये जेल चले गए तो मैं बेल कहाँ से लेके आऊंगी, और वैसे भी मेरी तो लाइफ की फिलॉसफी है इसी में प्यार की आबरू। मेरा भी गाने को मन कर रहा है। तुम्हारी इन कमीनी हरकतों के बावजूद फिर भी वो तुम्हारी तरफदारी कर रही है, इसको कहते हैं भारतीय नारी। वाह बेटी वाह, कितने सुंदर शब्दों में तूने अपने आदर्श सामने रख दिए। आदर्श नहीं अंकल, हिंदी फिल्म का गाना गा रही है वो। अबे तू अपनी पैंट में रहना। निकर में अंकल। तू बाज नहीं आएगा? मैं क्या करूं इनका यार, तू फिकर मत कर बेटी, मैं इनको अंदर नहीं करवाऊंगा। हाउ स्वीट अंकल। बाहर कराऊंगा, इस घर से बाहर। हमारा घर से हमको बेघर कर देगा निर्दय? अब बताओ जालिम कौन है, हम या तुम? हम नहीं तुम। सुन बेटी, अगर ये दोबारा ऐसी जलील हरकत करे ना तो एक अंकल नाम की अराप कर देना, फिर आके मैं इनकी वो हालत करूंगा जो मैं कर नहीं सकता। ओके अंकल।
मैं चलूं बेटी, मेरे गाने के रियाज का वक्त हो रहा है। ओके अंकल। सुनो जी, इधर आओ ना। हाँ बोलो, क्या बात है? एक दो तीन, सीधा तेरा पे आ जाना। Are you darling? Are you? लेकिन इससे पहले मुझे ये बताओ कि इन कपड़ों को सर्फ में धोना चाहिए या साबुन से? दिखने में तो पॉलिएस्टर के लगते हैं, सर्फ में धो जाए तो करेक्ट रहेगा, क्यों लकी? Yeah. तो फिर जाओ धो। Excuse me, come again? मेरा मतलब है सर्फ खरीद कर लाओ, इन्हें धोकर सुखाओ। What? तुम्हारे कपड़े हम धोएंगे? Impossible. You mean to say you'll snap your fingers and we'll dance to your tune? यहाँ पे किसी को किसी की कमी महसूस नहीं हो रही? नहीं। अंकल की? इससे पहले कि मैं उन्हें आवाज देके बुलाऊं, सोच लो कि बिना कार के गुजारा कैसे होगा तुम्हारा? राजा, और बाहर कोई हमें मकान देगा भी नहीं। आ, मामा और चाचा का आदेश जो है, यानी कि बनवास, देश निकाला काला पानी। मैडम, जितना कपड़ा जल्दी दे दो, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। चलो चलो। तुम दिल की धड़कन विच। ओ जी, मेरा दुपट्टा। सॉरी, गलती से कपड़ों में आ गया। कोई गाल नहीं। ये डिजाइन देखिए मैम, बहुत बढ़िया है। नो, ओह, हमको ये साड़ी पसंद आया। सॉरी मैम, ये साड़ी पहले से ही वो पसंद कर चुकी हैं। गुड मॉर्निंग ग्रैंडमा। राजा, तुम यहाँ कैसे आया? मैं ग्रैंडमा, वो साड़ी की दुकान है ना, दाढ़ी बनाने के लिए आया होगा। ओह गॉड, ये भी यहीं पर है। अरे नानी माँ, आप यहाँ? वेरी पेने। तू यहाँ कैसे? शॉपिंग ग्रैंडमा, आप साड़ी सेलेक्ट कीजिए, मैं अपनी पेमेंट करके आता हूँ। अच्छा। स्टुपिड, यू स्टुपिड। ओह, आई लाइक दिस कलर। ये कितने का है? 635 रुपए मैम। इट्स ऑल राइट, लेकिन डिस्काउंट माइनस करके? सॉरी मैम, इतने भी डिस्काउंट नहीं मिलता, केवल 1000 रुपए की खरीदी पर 25% की छूट है। क्या नानी माँ, कुछ शॉपिंग वॉपिंग की नहीं? लीना, 800 रुपए की साड़ी। सिर्फ 800 रुपए की साड़ी? मतलब आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा? हा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये साड़ी रुपए मुझे दे दीजिए। किस लिए? अरे दे दीजिए ना। अरे मगर, अरे अरे गणमा, ये रुपए और साड़ी मुझे दीजिए। व्हाई? अरे दीजिए ना, कम ऑन, गिव इट टू मी गणमा। ओ कंप्यूटर वाले भाई साहब, इन दोनों साड़ियों का बिल इकट्ठा बना दीजिए। इकट्ठा बिल काहे को? जस्ट वेट एंड वॉच गणमा। अरे तो कर क्या रहा है? धीरज रखिए, जल्दी कीजिए प्लीज। ये रही आपकी साड़ी और ये रही आपकी साड़ी। आपने 800 रुपए की साड़ी खरीदी, उसके 25% डिस्काउंट के हिसाब से ये रहे आपके 200 रुपए और आपके 635 रुपए की साड़ी के 158.75 रुपए डिस्काउंट, ये लीजिए। अरे वाह, आप लोगों की तो ऐसी होगी, एक साथ दो साड़ियां खरीदने में आपका 358.75 रुपए का फायदा हो गया। दादी माँ, नानी माँ, ये तो छोटा फायदा हुआ है, इसी तरह आप दोनों भी जिंदगी भर मिलजुल कर रहेंगे ना, तो बहुत बड़ा फायदा होगा, सोच लीजिए। You are not stupid, तुम भी no stupid. 55, 56, 57. अरे राजा, तूने चाय बनाई कि नहीं बनाई? उबल रही अंकल, उबल रही है। 62, 63. ए राजा, तूने उसको दवाई दी कि नहीं दी? अभी देता हूँ अंकल। 66, 67, 68. राजा, तुम बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो, कुछ लेते क्यों नहीं? क्या लूं यार? जहर? 75, 76. राजा, तेरा हालत देख के मुझे नियरली रोना आ रहा है। अपने नाना दादा के घर से बेघर, एक फटे हुए डॉल के घर में, और एक लड़की ने जाने कहां से तेरे गले में घंटी बन गई है, तू उसके लिए इस्त्री कर रहा है, चाय बना रहा है, कपड़े धो रहा है। लाइफ में थोड़ा बहुत सेल करना पड़ता है लकी, जब तक इसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है, ये चलना शुरू नहीं कर देती। अरे चलना क्या, कूदना शुरू नहीं कर देती, ये सब तो करना पड़ेगा ना लकी। कूदने लगा जी। अरे हे भगवान, ये मैं सपना देख रहा हूँ या हकीकत? हकीकत। शर्म नहीं आती तुम्हें? सबके सामने लंगड़ी होने का नाटक करती हो,
और यहाँ छत पर रस्सी के साथ फुदक रही हो। 113, 114, 115। वो इसलिए कि मैं आपकी जोगन हूँ जी। क्या बोली? चल हाथ जाबे हाथ राजा। जोगी मैं हूँ जोगन, जोगन मैं तेरे कारण, तुझ पे वारों में तन मन, घूमेंगे चल हम संग में, रंगले मुझको अपने ही।
अरे लोग एक्सीडेंट के बाद आजकल अस्पताल में जाके गिरते हैं, आप सपने में जागी नहीं? अच्छा हुआ मेरा टाइम अच्छा चल रहा है, वरना मैं जेल में जा गिरा होता। चलिए मैडम उठिए, डांस करते करते थक गई होंगी, आप घर जाके थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं जी नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं थकी, एकदम फ्रेश फील कर रही हूँ। जोगन जोगन यार, लकी मैं अजीब कश्ती में सवार हो गया यार। ये लड़की बीवी का नाटक करते करते पता नहीं मुझसे क्या क्या करवा रही है, और आगे भी न जाने क्या क्या करवाएगी। अरे तुम हो ही सिलाए, और एक बार मैं आइडिया। क्या? देख अगर वो तुम पर पत्ती होने का हक जताती है तो तू क्यों पीछे रहता है? मैं समझा नहीं। लकी पहली बार तूने कमाल का आइडिया दिया है, अगर तेरा बदन बदबू नहीं मारता ना तो मैं तुझे गले लगा लेता। हेलो जी। नमस्ते नेबर आंटी जी। नमस्ते जी। बेबी ये शाम से दोनों के दोनों बार बार फूल किसके लिए लेके जा रहे हैं? चाची जी तुसी मेरी चोटी तो कंप्लीट कर लो, फिर जाके देखते हैं। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। चाची जी कमरे को तो बिल्कुल सुहागरात के स्टाइल में सजाया है ना? सुहागरात के स्टाइल में नहीं, सुहागरात के लिए ही सजाया है। सुहागरात किसकी? हमारी, तुम्हारी और मेरी। अच्छा क्या हमारी? और नहीं तो क्या, गुम्मेल अंकल की। चाची जी हमारी शादी को हुए 3 महीने हो गए, 3 months, but for your information, you know, हमने अभी तक सुहाग रात ही नहीं मनाई। Actually भूल गए थे। Unbelievable ना? लकी चल बहुत काम है। चले। क्या सुहाग रात ही नहीं मनाई? तभी मैं कहूँ तुम लोग चूहे बिल्ली की तरह क्यों लड़ते रहते हो सारा दिन। चाची जी दरअसल बात ये है कि बात कुछ भी हो पर ये बात ठीक नहीं है बेबी। आंटी बिल्कुल सही कहा आपने, आप जल्दी से इसे सुहाग रात के लिए तैयार कर दीजिए। चल बेटा चल। अरे चाची जी आपको कुछ नहीं पता, अंकल एंडी अंकल उन दोनों के लिए ब्लैक में टिकट मंगा के कुछ कुछ होता है देखने के लिए थिएटर में बिठा के आ रहा हूँ। देखिए ना आंटी, उन लोगों की पिक्चर खत्म होने जा रही है और मेरी पिक्चर शुरू भी नहीं हुई। बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो इसे कहिए ना जल्दी से तैयार हो जाए। ये रहा सुहागरात का जोड़ा और ये रहा सुहागरात का मेकअप का डब्बा। लकी फूल लग गए। वन मिनट लिपस्टिक और फुसफुस मत बोलना। राजा कांग्रेचुलेशन ऑन अ सक्सेस इन द फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच। नाउ लेट्स गेट रेडी फॉर द फाइनल एग्जाम। यस यस। ब्यूटीफुल। रेडी वही जो एक पति अपने पत्नी के साथ करता है। प्लीज बहुत शौक है ना तुम्हें पत्नी बनने का? नहीं। आओ तुम्हें अपनी पत्नी बनाता हूँ। प्लीज मुझे छूना मत, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने झूठ बोला था कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम चाहो तो मैं सबके सामने सच बोलने के लिए तैयार हूँ। प्लीज। जान सकता हूँ ये सब तुमने क्यों किया? हर एक लड़की मिस यूनिवर्स का ताज अपने सर पर पहन सकती है, गोल्ड मेडल अपने गले में लटका सकती है, लेकिन एक मंगलसूत्र बिना मंत्र के कभी नहीं पहन सकती। सच सच बताओ तुम कौन हो, कहां से आई हो, ये नाटक क्यों कर रही हो, क्यों सब लोगों की आंखों में धूल झोंक रही हो, बोलो। मैं धूल झोंक रही हूँ तो तुम कहां से धूल के धुले हो कि तुमने सब लोगों को ये कहकर धोखे में नहीं रखा कि तुम एंथनी और अंजलि के बेटे हो और ये दोनों घर के ग्रैंडसन हो? ये क्या अनाप शनाप पकड़ी हो बताओ। इस फोटोग्राफ में मेरे साथ और कौन है जानते हो? नहीं। इससे पहले इन्हें कभी देखा है? नहीं। तुम जिनके बेटे बनने का नाटक कर रहे हो वो अंजलि और एंथनी यही है। जिस अंजलि और एंथनी ने लव मैरिज की थी उनका तो कोई बेटा ही नहीं है, उनकी सिर्फ एक बेटी है और वो बेटी मैं हूँ। मेरा असली नाम बन तो नहीं टीना है, अब तुम बताओ तुम कौन हो? मैं
पिछले 27 सालों से मेरे माँ बाप कहाँ हैं, किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में शायद मेरे दादा दादी और नाना नानी को भी ना मालूम हो, लेकिन उनके घरों में क्या हो रहा है ये सारी बातें हमें मालूम हो जाती थी। जानते हो कैसे? जब पूरा गांव मेरे माँ बाप की शादी के खिलाफ था, तब उनको सपोर्ट करने वाले सिर्फ एक ही शख्स थे, कुम्मन अंकल। हर हफ्ते हमारे घर में वीकली मैगजीन आए ना आए, लेकिन गुम्मन अंकल की तरफ से खताना नहीं चुकता था। वो हमें खत लिखते थे, ये बात गांव का कोई भी आदमी नहीं जानता था, उनकी बीवी भी नहीं। तुम्हारी हर बात, यहां तक कि तुम्हारे गाने के बारे में भी उन्होंने ही हमें बताया था। अब एक बात समझाओ, दोनों घरों की ग्रैंडडॉटर होने के बावजूद उनके बीच में कोई सुलह या मेल कराने का ख्याल मेरे दिल में कभी नहीं आया। तो फिर तुम, जिनका उन घरों से कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं, उनका मेल कराने में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? मेरा मतलब है, एक हीरो सी पर्सनालिटी वाला आदमी अपनी शहर की जिंदगी छोड़कर, काम नाम छोड़कर इस कस्बे में क्या कर रहा है? सही सही बताओ ना, सच क्या है? सच? हाँ सच। सच कुछ अजीब सा था। अजीब सा? कुछ अजीब सा, कुछ फैला सा। अरे साहब सब क्यों नहीं कह देता है? कुछ मोटा सा है। है? क्या मतलब? कम अगेन? मेरा मतलब है, जिसे आप हीरो सी पर्सनालिटी कह रही है ना, कुछ समय पहले हीरो सी नहीं थी, कॉमेडियन की थी, स्वीट, इनोसेंट, रोमांटिक, म्यूजिकल। लकी सही कह रहा है टीना, फूलों की तरह रंग बदलती जिंदगी में अपने परिवार के रिश्तों से महरूम इस राजा का कुछ महीनों पहले कुछ और ही रंग था, बेढब, हैवी, भारी भरकम। जानता था कि मैं हीरो जैसा नहीं हूं, लेकिन फिर भी दिल में हीरोइन की जगह तैयार कर चुका था। पहली बार उसे देखते ही ऐसा लगा जैसे सारी जिंदगी का निचोड़ शायद उसी फूल की खुशबू में है। मेरी निगाहें हमेशा उसे ही ढूंढती रहती थी। कितनी नादान, चंचल और भोली थी वो, उसे तो मालूम ही नहीं था कि स्वीट रोमांटिक मोटे में भी दिल है जो सिर्फ एक ही गीत गाता है। तेरी जिंदगी में प्यार है तो सब कुछ है, जो प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। तेरी आंखों में किसी चाहत का इकरार है तो सब कुछ Popcorns, please. Hey, I have got the tickets. Please, जल्दी कीजिए, जल्दी, fast, fast. Say thanks to me. Keep the change. Okay, let's go. Great, na? Huh? I shall bring you got to feel a love. I may not pass you by the morning or night, 'cause every time I see you, feel alright. कोशिश तो कोई करके देखे, चलो दूध लो, लो ना। सपने सच्चे भी होते हैं, you mean something? ओले? दुनिया कोई इतनी बुरी नहीं, यहाँ लोग अच्छे भी होते हैं। कोशिश तो कोई करके देखे, सपने सच्चे भी होते हैं। Yeah.
अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हैं आप? सिक्योरिटी जी, हा? इस हॉस्टल के कमरे से किसी लड़की के गाने की आवाज आ रही है, तो? मैं उसे मिलकर वापस चलाऊंगा। ठीक है भाई साहब, ये लड़कियों का हॉस्टल है और यहाँ पर बगैर परमिशन के लड़कों को आने की परमिशन नहीं है। सिक्योरिटी जी, हा? मैं इस हॉस्टल का पड़ोसी हूँ और लड़की जो है मेरा गाना गा रही है। सिक्योरिटी जी, हे भगवान, तुम ही मेरे फादर हो, तुम ही मेरे गॉड फादर हो। मैंने एमए की, एमएससी की, संगीत विशारद की डिग्री हासिल की, लेकिन आज तक तुमने मुझे नौकरी नहीं दी। That is not fair. आज मैं फिर इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं भगवान, ये नौकरी मुझे दिलवा दो। प्रसाद। राजा, मेरा प्रसाद। रीना, हेल्प मी ना यार, नहीं तो आज मुझे मैच में अंडा मिलेगा और वो भी उबला हुआ। प्लीज हेल्प मी ना यार, आई बी रुइंड यार, प्लीज यार। अरे उड़ गया तेरा पेपर। डोंट वरी, मेरे पास दूसरा है, अनदर वन। देख, सॉल्यूशन नोट्स के हिसाब से y is equal to 10 square x square plus 1 by log x का आंसर आना चाहिए। log x into 210 x square plus 1 into z square x square plus 1 into 2x minus 1 by 10 square x square plus 1 upon log x whole square। लेकिन मेरा आंसर कुछ और ही आ रहा है। Florence, तेरी बुक में आंसर गलत लिखा होगा यार। Oh God, please help me ना, कुछ करो ना। Excuse me, can you pass this on to that girl, please? ऐसे मत कर। मेरा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है? I'm such a dud यार। मेरा पेपर वापस कैसे आ गया? Thank you my angel, thank you very much। Excuse me, किसने किया ये? Excuse me, I'm in a hurry, please। आपने? नहीं, मैंने नहीं किया। उस नीली शर्ट वाले ने किया है। उसने? नीली शर्ट वाले ने? हेलो हेलो, सुनिए, हेलो नीली शर्ट वाले जी, हेलो हेलो। ओ हाय, आप तो भैया ना मेरे हॉस्टल के सामने वाले, जो वो जो गाना तेरी मेरी जिंदगी में प्यार है तो सब कुछ है। वेरी गुड सिंगर। थैंक यू वेरी मच। लेकिन इस वक्त मेरी प्रॉब्लम कुछ और है, मुझे आपकी मदद चाहिए। देखिए, मैं आपकी मदद जरूर करता, लेकिन आई एम गेटिंग लेट फॉर माय इंटरव्यू। अब मेरा भी टेस्ट है, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी। प्लीज, ओ गॉड, जस्ट हेल्प मी नाउ, प्लीज। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, वन सेकंड। Oh God, I'm so sorry, I'm so sorry. I'm sorry. आपकी किताबें, आपकी फाइल्स, मेरी वजह से आप गिर गए। नहीं, मेरी वजह से आप गिर गए। कमाल है, हम दोनों ही गिर गए। Four x plus five y is equal to three. भाई तो मेरा नाम फ्लोरेंस है, मैं आपके घर के सामने हॉस्टल में रहती हूँ। और मेरा नाम राजा है, मैं आपके हॉस्टल के सामने घर में रहता हूँ। ये भी कमाल है, हम एक दूसरे के सामने रहते हैं। अच्छा, मेरा बस जब आ गया, मैं चलती हूँ भाई। थैंक यू राजा, थैंक यू सो मच। ओके बाय, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। बाय। सॉरी, यू आर वेरी लेट। इंटरव्यू तो कब के खत्म हो चुके हैं। ओ गॉड, किसी की मदद करने के चक्कर में मैं लेट हो गया। अरे भैया, अपनी मदद करने की बजाय दूसरे की मदद करोगे तो नुकसान तो होगा ही। नहीं नहीं भाई साहब, दूसरों की मदद करने में जो फायदा है वो अपनी मदद करने में हो ही नहीं सकता। वेरी गुड भैया, वेरी गुड। सर, मेरे सर्टिफिकेट्स तो देख लीजिए। अब इसका क्या अचार डालूंगा, जाइए आप यहाँ से। ठीक है सर। Thank you very much. कुछ सोच रही ना, कुछ सोच। म्यूजिक कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज नहीं मिला तो कॉलेज की नाक कट जाएगी यार, I'll be ruined यार। Hey Florence, congrats, मैथ में तो बाजी मार ली गई यार। That is a note chapter यार, अभी तो दूसरा प्रॉब्लम आ गया है। Florence, तो फिर ये प्रॉब्लम भी तू अपने उस राजा से क्यों नहीं सॉल्व करवा लेती? That is a good idea यार, कॉम्पिटिशन में उसी का गाना गाऊंगी। ओके, राजा 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 राजा
स्वामी। अबे पूजा बंद कर। प्रॉब्लम क्या है लकी? खैन अपने उधर मांगने आया है। उधर? अब क्या करें? दिमाग तेरे पास है ना, तू ही कुछ सोच। हे भगवान। ओए जोकरो, मेरे पैसों के बारे में क्या सोचा? अरे खान चाचा, सुबह सुबह गदर क्यों मचा रहे हो? हम आपके दिल में रहते हैं। मेरे दिल आपके पास है। मुझे आपसे कुछ कहना है। लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना है। जब भी आता हूँ हिंदी फिल्म के टाइटल सुना के मुझे खुश करके पतली गली से निकल जाते हो। तो ठीक है, आज मोटी गली से निकल जाते हैं। ठहरो, पहले मेरे पैसे वापस करो फिर जाना। खान चाचा, आज मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, जैसे मुझे नौकरी मिल जाएगी मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। बल्कि तब आप चाहो तो हमसे उधार ले लेना 2% पर। वेरी गुड इंटरेस्टेड लकी, कीप इट अप। इसकी क्या गारंटी है ये नौकरी तुम्हें मिल जाएगी? गारंटी? ये है गारंटी, MA MSc संगीत विशारद, इतने सारे मेरिट सर्टिफिकेट शायद ही किसी के पास हो। क्या ये देखने के बाद वाकई तुम्हें नौकरी मिल जाएगी? 100% खान चाचा, 100%। अच्छा तो फिर यूं करो, पहले मेरे पैसे वापस करो फिर ये फाइल ले जाना। खुदा हाफिज। खान चाचा, खांचा जा, रुक जाइए। 2 दिन के अंदर पैसे देके ये फाइल वापस ले जाना, वरना इसको जलाकर इसकी राख जमनों में बहा दूंगा। करियर का सवाल है। इस फाइल में मेरे सर्टिफिकेट से खांचा जा, मेरी जिंदगी भर की मेहनत है खांचा जा, प्लीज प्लीज खांचा जा। लकी, बहुत ही बैड पीरियड चल रहा है यार। लगता है स्टार्स बहुत खराब है। एक तो नौकरी नहीं मिल रही है, खान का कर्जा चुकाना है, दूध का बिल देना है, और वो साला भटूरा वाला, उसके भी तो पैसे देने। एक बात तो भूल रहे राजा। कौन सी बात? घर का किराया भी तो देना है। ओ गॉड। जय बजरंग बली। मैं कसम होल डोल की, आज तलक इतना घटिया इंट्रोडक्शन हिंदी पिक्चरों में किसी कैरेक्टर का नहीं हुआ जो तुम लोगों ने मेरा किया। अबे जाजा बे। मैं पूछता हूँ, ये कौन सा तरीका घर खाली करवाने का? राजा, अपनी पार्टी का लगता है भाड़ा नहीं दिया होगा। बेचारा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, 5,000 रुपए देता हूँ महीने के महीने। अरे तू चुप कर। लेकिन इसका कसूर क्या है? और कुछ हो नहीं जी, जुर्म कहो जुर्म। और दिन भर अपनी घटिया कहानियां सुनाकर परेशान करता है, कहता है बम्बई जाऊंगा, डायरेक्टर बनूंगा, राइटर बनूंगा, और रात को खर्राटे मार मार कर तंग करता है। खर्राटे? अरे इतनी छोटी सी बात के लिए आप इसे घर से निकाल रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। ओ, इसको घर में रखने से तो अच्छा है कि घर बेचकर कहीं जंगल में जाकर रहे। जाओ जाओ, अकेले तुम्हारा ही घर नहीं है शहर में, पैसे फेंकूंगा दूसरा घर ले लूंगा। तो जाकर ले लेना फिर। तो जाओ ना, गेट पे क्यों खड़े हो? या नचंदी का मेला चल रहा है क्या, या शोले की शूटिंग चल रही है? जाओ। सर, आपको मकान चाहिए? क्यों, तुम्हारे पास है क्या? यह लेकर नहीं है, घर को घर में ही रख के आया हूं। कॉटेज चलेगा? बे अब तो डिनेज भी चलेगा, मेरी इज्जत का सवाल है। ऑलरेडी इसमें हम दोनों है, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? कोई बात नहीं भाईजान, एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन वहाँ फैन है? फैन नहीं, फैंस है। ओके, सेपरेट बाथरूम है? बाथरूम सेपरेट नहीं है, बाथरूम में ही रूम है। एक मिनट, अभी आया ओमपुरी। ओमपुरी के बच्चे बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब हो गया? इस ढोल को तू अपने साथ रखेगा? अरे यार, जब तक बजाने लायक रहेगा हमारे साथ रहेगा, नहीं समझे? फौरन 5,000 रुपए एडवांस लेकर खान का कर्जा चुका देंगे, और हर महीने का किराया भी इसे लेकर देंगे। ऑन द होल किराया ये भरेगा, कब्जे में हमारा रहेगा। वेलकम, आइए आइए आइए, ये रहा हमारा इंद्र भवन। तुम तो बोल लेते फैन होंगे, कहाँ है वो? है ना, मैं अमिताभ बच्चन का फैन हूँ, या अभिषेक बच्चन का फैन है, और इस घर का मालिक अपनी नौकरानी का फैन है। ये नौकरानी को मारो गोली, ये खंडहर के 1500 रुपए भाड़ा और 5,000 एडवांस, मिस्को नीचे मैं जा रहा हूँ। ऋषि कपूर बोल। चिंपू कपूर, शेखर कपूर, सुभाष गए, डेविड धवन जैसे बड़े बड़े डायरेक्टरों ने यहीं पर बैठ के अपनी स्टोरी लिखी है। तो क्या बोल लिया भाईजान, यहाँ दिल्ली आए थे वो? ऑफ कोर्स। यस। तो इसका मतलब तो आप जानते होगे इनको? ऑफ कोर्स जानते हैं। ये बात अलग है कि वो हमें नहीं जानते। ये कौन सी जान पहचान है? अरे इनका कहने का मतलब है कि एक दिन आप बहुत बड़े राइटर बनेंगे। थैंक यू भाईजान, थैंक यू, तारीफ करके तुमने मिचको ना इमोशनल कर दिया। ये लो एडवांस। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चल अपना चक्कर। हंसते हंसते क्या कह गया ये? जल्दी से खान चाचा को पैसे वापस करके अपनी फाइल ले आते हैं। भैया, राजा भैया, ये रही आपकी फाइल। मेरी फाइल? ये फाइल तुम्हें कहाँ से मिली? वो सामने हॉस्टल में जो फ्लोरेंस रहती है ना, उसने दी है।
थोड़ी देर पहले तो वो यहीं पे रिहर्सल कर रही थी, अब वो शायद अपने कॉलेज में रिहर्सल कर रही होगी। कॉलेज में? जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सांसों में कोई खुशबू सी है, मौसम बेताब सा रहता है, एक फूल खिलेगा दिल में तेरे, कोई चुपके से कहता है। सांसों में कोई खुशबू सी है, मौसम बेताब सा रहता है, एक फूल खिलेगा दिल में तेरे, कोई चुपके से कहता है। गुलशन में जो बहार है तो सब कुछ है, जो बहार नहीं तो कुछ तो कोई भी नहीं है। लकी कहाँ होंगे? लकी है मगर ये लो तीन टिकट किसके लिए? एक आपकी और दो इनकी। एक ख्वाब ने है अंगड़ाई ली, कुछ अरमान दिल में है जागे। लकी ये तो फॉरेन डांस कर रही है। तन्हाई Thank you. We are proud of you. चल के फ्लोरेंस से फोन पे बात करते। Come on. Hello. Hello. मैं फ्लोरेंस डिसूजा से बात कर सकता हूँ रूम नंबर 25? एक मिनट बोला। लकी तू जहाँ से leave me alone. Hello. Hello फ्लोरेंस. फ्लोरेंस मैं राजा, वो जो तुम्हारे हॉस्टल के सामने है। राजा, I'm so happy you called. पता है कितनी तारीफ हुई आज मेरे कॉलेज में? I'm so thankful to you. Thanks तो मुझे कहना चाहिए, आपने मेरी सर्टिफिकेट की फाइल जो खान से छुड़ा ली। थैंकफुल तो मुझे होना चाहिए, आपके गाने की वजह से मुझे फर्स्ट प्राइज भी तो मिला है। नहीं, वो गाना तो मैं सिर्फ घर पर गाता था, आपने टीवी पर गाकर सारे हिंदुस्तान को सुना दिया। I'm really grateful to you. No, राजा, I'm so grateful to you. Florence, मैं तुम्हें मिल सकता हूँ? हॉस्टल के गेट के बाहर। It's very urgent. Okay, मैं अभी आती हूँ। Thank you very much. क्या बात है? वो सर्टिफिकेट छुड़ाने के लिए आपने जो खान को पैसे दिए थे, ये लीजिए। लेकिन वापस किस लिए? कहते हैं कि उधार अपनों को पराया कर देता है। खान की बात हो रही है, मैं आपको पराया नहीं करना चाहता, ले लीजिए। मैं भी आपको पराया नहीं करना चाहती, इसलिए वापस ले लेती हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय। राजा, एक मिनट। वो आपकी वजह से है ना, मैं अपने एक सब्जेक्ट में तो पास हो गई, लेकिन मेरे वो बाकी सब्जेक्ट्स भी वीक हैं। कौन कौन से? सभी के सभी। ओह गॉड। वो एक्चुअली मैं ना, क्लास में जब टीचर्स बोरिंग ढंग से पढ़ाते हैं ना, तो मेरे मन की गाय घास चरने चली जाती है, और जब वापस आती है ना तो एग्जाम सर पर होते हैं, और टाइम बहुत कम। हाँ। और घबराहट में समझ भी कम हो जाती है। ओह
गॉड, ओह गॉड, क्या सोच रहे होंगे आप मेरे बारे में? आप सच में डांट कितनी नालायक हो। नहीं नहीं, आप बिल्कुल नालायक नहीं है, क्योंकि एक लायक ही अपने को नालायक समझ सकता है। हाँ, इसका मतलब है आप मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में भी मेरी मदद करेंगे? हाँ, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर्स? जरूर करूंगा। ओह गॉड राजा, थैंक यू सो मच, यू आर सच अ स्वीट गाय। ओह स्वीट बाय। और स्मार्ट होनी चाहिए। आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हो? हम अपनी ड्रीम गर्ल डिस्कस कर रहे हैं। तुम ये बताओ, तुमको किस तरह का लड़का पसंद है? आई बेट टॉल, डैशिंग एंड हैंडसम। लकी, मेरा तो ध्यान लुक्स पे जाता ही नहीं, वो कोई भी सूरत या साइज का हो, लेकिन सीरत में हसीन हो और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतना इंटेलिजेंट हो, इतना ब्रिलियंट हो, इतना स्ट्रॉन्ग हो कि मुझे हक्का बक्का कर दे। फ्लोरेंस, नाउ यू आर रियली डूइंग वेरी वेल, यू पिक्ड अप एवरीथिंग। ए मोटे, देख के नहीं चल सकता क्या? ए मोटा, किसको कहा? अरे जो मोटा है उसी को तो मोटा बोला। ए मिस्टर, याद रखो, जो लोग किसी के मोटापे पे हंसते हैं वो अकल से मोटे होते हैं। जिस्म का क्या है, आज ज्यादा तो कल कम भी हो सकता है। बट यू स्टूपिड, तुम अपनी अकल के मोटापे का क्या करोगे? ए डोंट बी स्मार्ट। क्या कर रहा है? नारियल तोड़ रहा है कि मंदिर की सीढ़ियां तोड़ रहा है? नारियल क्यों, कोई खुशखबरी है क्या? लकी, आज से भूखे पेट सोना बंद, उधार लेना बंद, रस्तों पर भटकना बंद, मुझे नौकरी मिल गई है। नौकरी नौकरी हाँ नौकरी। कांग्रेचुलेशन।
राजा नौकरी तो मिल गई है, अब छोकरी का भी इंतजाम कर ले, बढ़िया सी लड़की ढूंढ के शादी कर ले फटाफट। ढूंढने की क्या जरूरत है, लड़की तो है। देख कौन है? फ्लोरेंस। देख राजा, तू फ्लोरेंस को चाहता है, फ्लोरेंस तुझे चाहती है, पसंद करती है। इससे पहले कि एग्जाम्स के बाद वेकेशन पे जाए, तू उसे अपने प्यार का इजहार कर दे। नहीं लकी, मेरा इरादा उल्टा है। जब तक वो छुट्टियों से वापस आती है, मैं अपने आप को उसके काबिल बनाना चाहता हूँ। I want to be worth her। बस भगवान से प्रे करो कि वो मुझे मिल जाए। पता जहाँ वो लड़की मिल जाए, हर दूरी मिट जाए। वो लड़की मिल जाए, हर दूरी मिट जाए। है कौन सा वो रास्ता? So nice। दिल बता मेरे दिल बता, तुझको तो होगा पता। मेरे दिल बता मेरे दिल बता, तुझको तो होगा पता। जिस लड़की से प्यार है मुझे, क्या वो मुझे प्यार करेगी? मेरे ख्वाबों की तस्वीरों में क्या वो लड़की रंग भरेगी? क्या कभी नहीं ये होगा, क्या कभी कहीं ये होगा? क्या होना है, क्या लगता है, क्या होना है? अच्छा होगा या बुरा? मेरे दिल बता मेरे दिल बता, तुझको तो होगा पता। मेरे दिल बता मेरे दिल बता, तुझको तो होगा पता। जो तमन्ना है मेरी, क्या पूरी हो पाएगी? मैं जिसका दीवाना हूँ, क्या मेरी हो जाएगी? हम दोनों क्या साथ होंगे, क्या हाथों में हाथ होंगे? क्या लगता है, क्या होना, क्या लगता है, क्या होना है? मेरे दिल मुझसे ना छुपा। हाय मेरे दिल बता, तुझको तो होगा पता। मेरे दिल बता, तुझको तो होगा पता। मेरे दिल बता, तुझको तो होगा पता। जहाँ वो लड़की मिल जाए, हर दूरी मिट जाए। वो लड़की
मिल जाए, हर दूरी मिट जाए, है कौन सा वो रास्ता? So nice. दिल बता तुझको तो होगा पता, मेरे दिल बता तुझको तो होगा पता. Look how much weight I've lost. Look, yeah. Raja. Oh, this is for me? Yeah. Thank you, friends, thank you. So nice. I've done it. Yeah. राइटर जी नमस्ते. फ्लोरेंस आ गई छुट्टी मना के? फ्लोरेंस हाय लकी, वेलकम बैक. थैंक यू सो. अरे राजा कहाँ है? वो अब राजा पता नहीं आजकल सुबह सुबह कहाँ गायब रहता है. गायब रहता है. एनीवे कल मैंने एक पार्टी थ्रो की है, ये रहा इनविटेशन कार्ड. तुम सब लोगों को इनवाइट करने आई हूँ. चल राजा टू बी देयर. ओके फ्लोरेंस, हम तो यही कहते हैं थोड़ी देर रुक जाती तो राजा को देख के जाती. देख के जाती? राजा तो मेरे देखा हुआ है. नहीं फ्लोरेंस, इसका मतलब था आप दोनों के बीच कुछ बातें हो जाती आमने सामने तो. वो भी हो जाएंगी कल. बाय बाय. राजा तू जाए सामने क्यों नहीं आया? आज ही बात हो जाती. अबे नहीं फ्लोरेंस ने सही कहा, कल. भाईजान ऐसी बातों के लिए चाहिए सही कॉस्ट्यूम, सही लाइटिंग, सही लोकेशन. फ्लोरेंस! हे लकी, हाय हाय, एक्सक्यूज मी, हाय हाय. लेकिन राजा कहाँ है? आपको नहीं पता, हिंदी पिक्चरों में हीरो की एंट्री बड़ी धमाकेदार होती है. मजा छोड़ो ना, बताओ ना प्लीज राजा कहाँ है? How are you, Dilam Masanma? होना चाहिए. हाँ, मैं अभी आती हूँ. एक मिनट. एक्सक्यूज मी, हटो. राजा तैयार है? अब जैसे वापस आ जा बोल दे रहे आई लव यू. हाँ क्या कहा, कौन है? राजा, आई टोल्ड यू ना. ओके कम ऑन लेट्स गो. हे गाइस जस्ट एक्सक्यूज मी, सॉरी गाइस. राजा, हे गाइस मूव. ये है राजा. मैंने तुम्हें बताया था ना, जो मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे इनके बारे में ब्रिलियंट से कम कुछ कहा ही नहीं जा सकता. और ये है जिनके जन्मदिन की खुशी में आज पार्टी दी जा रही है. रंजीत मेरे होने वाले हस्बैंड. थैंक यू सो मच राजा, तुम्हारी वजह से फ्लोरेंस पास हो गई, वरना हम दो साल तक शादी नहीं कर पाते. क्यों राजा, कैसी लगी मेरी पसंद? दिखते हैं ना आप मेड फॉर ईच अदर. हे लकी, है ना टॉल डैशिंग और हैंडसम, जैसा तुमने कहा था मिस्टर राइट का होना चाहिए. पर तुमने तो जवाब कुछ और ही दिया था फ्लोरेंस. तुमने कहा था इसीलिए हम. राजा बधाई हो रंजीत, बधाई हो. थैंक्स. सॉरी फ्लोरेंस, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं. पहले पता था ओकेशन क्या है तो. बट माय गुड विशेस आर विद यू. मेरी शुभकामनाएं मेरे साथ है.
है, मुझे पता है राजा। क्या पता खाक? Oh, thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to रंजीत राजा इज सच अ बिग हार्टेड पर्सन। आर यू श्योर फ्लोरेंस के राजा मान जाएगा? अरे बाबा मैं उसे मना लूंगी। राजा राजा मैं हूँ फ्लोरेंस। ए, कौन? मैं सवेरे सवेरे आपके लड्डू लेने आई है यहाँ। राजा उसे ऐसा सबक सिखा रहा है। लकी जल्दी से अपने अपने कपड़े पहनो फास्ट। नींद खराब कर दी। हाय राजा। गुड मॉर्निंग राजा। अरे फ्लोरेंस तुम सुबह सुबह। राजा वो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राजा अपने पेरेंट्स को बताए बगैर कल हम दोनों रजिस्टर मैरिज कर रहे हैं। यू नो मेरा तो तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे विटनेस बनो। अगर तुम मेरे विटनेस पर साइन कर दोगे ना तो मेरी शादी में मेरे लिए ये सबसे बड़ा तोहफा होगा। अगर मेरे साइन करने से तुम्हारा काम बनेगा तो मैं जरूर करूंगा। रंजीत मैंने कहा था ना राजा एकदम मान जाएगा। थैंक यू राजा, थैंक यू सो मच। चलो फ्लोरेंस लेट्स गो। बाय राजा, सी यू एट 4 o'clock एट रजिस्टर। फ्लोरेंस एक मिनट। फ्लोरेंस फ्लोरेंस एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। तुम्हारे परिवार में तो सब है, फिर ये रजिस्टर मैरिज क्यों? वो इसलिए कि हमारे घर वाले शादी के लिए कभी हानि करेंगे। लेकिन क्यों? फ्लोरेंस के अंकल और मेरी बुआ ने आज से 27 साल पहले भागकर लव मैरिज की थी, तभी से हमारी फैमिलीज के बीच में दुश्मनी हो गई राजा। देखो रंजीत, हमारा फर्ज है अपने परिवार के रिश्तों में पड़ी दरार को भर देना, ना कि उन्हें और कमजोर बनाना। आई थिंक 20 महीने के प्यार की खातिर 20 साल से पाल पोस कर प्यार देने वाले माँ बाप को दुख पहुंचाना ये अच्छी बात नहीं होगी। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते राजा, लेकिन हमारे घर वालों को मनाना नामुमकिन है। मैं नामुमकिन को मुमकिन बनाऊंगा। मैं दोनों परिवारों को एक करके उनके सामने तुम्हारी शादी करवाऊंगा। क्यों मुझ पर भरोसा नहीं है? पूरा भरोसा है राजा। फ्लोरेंस हमेशा कहती थी एक राजा ही है जो फेल होतों को पास करा सकता है, और आज मैं कहता हूं एक राजा ही है जो नफरत भरे दिलों को बदल सकता है। हम चलते हैं। बाय बाय राजा। पागल हो गया तू? तेरे दिमाग खराब हो गया राजा? बे तेरे को मालूम है कि वो तेरी नहीं हो सकी, फिर तुझे उसके लिए सब करने की क्या जरूरत है? लकी प्यार देने का नाम है, कोई मेरा है तो ही प्यारा है मुझे, वरना नहीं। ये तो खुद अपने आप से प्यार करने जैसा हो गया ना लकी। राजा अपनी प्रेमिका को खोने के गम में एक शहनशाह ने ताजमहल बनवाया तो एक प्रेमी ने अपनी जान गंवा दी। ऐसे किस्से तो हजारों किताबों में मिलेंगे, लेकिन एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को खोने पर उसे ऐसी सौगात देनी चाहिए, यह मिसाल किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। मैं आज तक प्यार को सिर्फ एक जज्बा समझती थी, लेकिन तुम्हारे मकसद के बारे में जानने के बाद सिर्फ तुम्हारी ही नहीं प्यार की भी इज्जत करने को जी चाहता है। राजा ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना कहूंगी आज से जो मकसद तुम्हारा है वही मेरा है, और जब तक तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते मैं तुम्हारे साथ हूं, साथ रहूंगी।
थैंक यू टीना। बस एक रिक्वेस्ट है, कुछ दिनों के लिए बात अपने तक ही रखना कि मैं चड्डा और डिसूजा फैमिली का ग्रैंडसन नहीं हूं। महाराज मेरे को सब पता चल गया है, आप झूठे हो, धोखेबाज हो और पोता होने का नाटक कर रहे हो। राजा इसने तो स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग सब सुन लिया। अभी जाके अपने महाराज को सुनाऊंगा और इसकी फिल्म बनवाऊंगा। अबे एक तो बिना टिकट के पिक्चर देखते उसके पर सस्पेंस लीक करने का धमकी देते। अबे रुक महाराज। लकी लकी बोले मत, तेरा हमारा गड़बड़ हो जाएगी। पकड़ उसे, पकड़। स्टॉप स्टॉप, रुक। नहीं महाराज, अगर रुक गया तो आप पकड़ लोगे। अरे इसलिए तो बोले रुक। अरे क्या हुआ भाई साहब? अरे लड़की को चेहरे के भागा। उसे रोबा महाराज। अरे भाई साहब क्या हुआ? अरे लड़की का रेप करके भागा। मैंने लड़की को सेड़ भी दिया, रेप भी कर दिया और उसका मर्डर भी कर दिया। ये तीनों काम एक साथ मुझसे कैसे हो सकता? महाराज आपको जल्दी से जल्दी महाराज को सब सब सच बताना पड़ेगा। थैंक गॉड, घबराने की कोई बात नहीं है। 3 महीनों तक ये बोल नहीं पाएगा। घबराने की बात तब होती डॉक्टर जब ये बोल पाता है। अगर ये बोल ही नहीं पाएगा तो घबराने की क्या बात है? लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बोलने लगेगा। बस बस मेरे लिए इतना ही काफी है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर साहब इस हालत में दारू पीना अलाउड है? दारू नहीं नहीं। क्या पौवा चाहिए? पौवा काफी नहीं है। क्या फुल बोतल चाहिए? नहीं नहीं, देखो ऐसी हालत में ऐसे करोगे तो तुम्हें दारू तो क्या 3 महीने तक पानी भी नहीं मिलेगा। चलो चलो डॉक्टर। वाओ, थैंक यू लकी भैया, थैंक गॉड, आपने तो कमाल कर दिया। अब तो रास्ता एकदम साफ है और टारगेट नजरों के सामने। यस। ओए केक सारे खत्म हो गए, बर्थडे के लिए केक चाहिए था, अब मुझे यहाँ कल क्या हो किसने जाना। राजा एक्सीडेंट इधर हुआ है, आवाजें उधर से आ रही है। अरे नाना जी तुम उधर संभालो, मैं इधर संभालता हूँ। ओके की करो तुसी। सॉरी। अरे नाना जी पैरी पेने ये सूट बूट में स्कूटर को धकेलते हुए क्यों जा रहे हो? तो क्या नंगा होकर स्कूटर को सर पे उठा के लेके जाऊं? लेकिन इसे हुआ क्या है? टीबी। टीबी? अरे पेट्रोल खत्म हो गया है। वो तो मैंने किया। क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब घर से निकलने से पहले चेक कर लेना चाहिए था कि स्कूटर में पेट्रोल है कि नहीं। लाइए मुझे दीजिए। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे नाना जी बुढ़ापे में जवानी के तीर क्यों मार रहे हो? यहाँ से पेट्रोल पंप 5 किलोमीटर दूर है। क्या 5-5? दादाजी आप ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, सेफ एंड साउंड। अरे क्या हुआ? ग्रैंडपा डिसूजा की गाड़ी। मुझे तो लगता है बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? हाँ। तब तो 100% मर गया होगा। आराम से आराम से। अरे ये बुड्ढा तो जिंदा है। दादाजी अब आप घर कैसे जाएंगे? चलकर। दादाजी बुढ़ापे में जवानी के तीर क्यों मार रहे हैं? वैसे भी घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। क्या 5-5? बाप रे, ऑलरेडी 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। क्या बात कर रहे हैं? 5 किलोमीटर पैदल चलकर जाऊंगा तो घर नहीं सीधा ऊपर पहुंच जाऊंगा। दादाजी एक आइडिया है जिससे आपको चल के घर नहीं जाना पड़ेगा। क्या? चलिए बताती हूँ। टेल मी टेल मी। हेलो मैं क्या जी, आपके स्कूटर को क्या हो गया है? कुछ नहीं, स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया है। ओहो, इसमें परेशान होने की क्या बात है? हमारी गड्डी में ढेर सारा पेट्रोल है, लेकर अपनी स्कूटर में डाल लो। नहीं भाई, अपना पेट्रोल इसे क्यों दूं? नो भीख दादाजी, भीख। भीख? हमें तुम्हारी भीख की कोई जरूरत नहीं है। हमारी पर्सनैलिटी इतनी ग्रेट है कि हम भीख भी फ्री में नहीं लेते। अगर तुम पेट्रोल दोगे तो बदले में हम अपने स्कूटर पर घर तक तुम्हें लिफ्ट देंगे, समझे? लिफ्ट देंगे? हाँ। नहीं नहीं, इस बुड्ढे खूसट को मैं अपने स्कूटर पे लिफ्ट दूंगा, कभी नहीं। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। शेर चाहे कितना भी भूखा क्यों ना हो, घास कभी नहीं खाता। अरे वो शेर है तो
ये बंपर शेर है, सबको चीर फाड़ डालेंगे, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, लेकिन खुद अपने माथे पर शिकन तक नहीं आने देंगे, फिर चाहे कोई जिए या मरे। हाँ हाँ, मर्द जो ठहरे मर्दानगी है या मैं। यस। ओए तुम में तो सिर्फ मर्दानगी है, लेकिन हमारे पास एक और एडिशनल क्वालिफिकेशन है। हम पंजाबी पुत्र है, जिद्दी है, अपनी बात पे अड़े रहते हैं। और राजा मेरी सांस फूल रही है, बाकी तू बता देना। अरे हम तो मर्दानगी का मतलब ही जिद समझते हैं। आप जानते हैं 27 साल पहले इनकी बेटी शादी करके घर से भाग गई थी, तब से आज तक इन्होंने उसकी खबर तक नहीं ली, इससे बड़ी जिद और क्या हो सकती है। ओए तो क्या हुआ, इन्होंने भी तो अपने बेटी की खबर आज तक नहीं ली, इनको तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गया, ये जिद क्या कम है ना दादाजी। अरे इनके लिए दोस्त दुश्मन बनने के बाद मर भी रहा हो ना तो भी उसकी मदद नहीं करेंगे, एक बूंद पानी उसके मुंह में नहीं डालेंगे, उसे मरने देंगे, लेकिन दोस्ती का लिहाज कतई नहीं करेंगे। मजहब के नाम पे खून खराबा कर देंगे, लड़ मरेंगे, लेकिन दोस्ती का लिहाज नहीं करेंगे। अरे ये तो अपनी जिद के गुलाम हैं। ओए चुप कर, हम अपनी जिद के गुलाम नहीं है। ओए हमें गुलाम बनाने वाले, हमारी आजादी छीनने वाले तो हमारे बेटे हैं। हम दोनों की आपस में मिलने की ख्वाहिश होते हुए भी उनकी वजह से हम मिल नहीं पाते। ओए डिसूजे, मुझे तेरे साथ कोई शिकायत नहीं है यार। ओ माय डियर छड्डा, इवन आई एम आल्सो नॉट एंग्री विथ यू यार। डिसूजे छड्डा यार, छड्डा मेरे यार, छड्डा। स्कूटर की बैटरी चार्ज हो रही है, आप अपनी दोस्ती की बैटरी चार्ज कर लीजिए। दादाजी नाना जी, आप दोनों की जोड़ी है ना बिल्कुल छोले की जय और वीरू की तरह लग रही है। चले जय। हाँ वीरू। रोको 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 रोको, स्टॉप। नहीं क्या हुआ, स्टॉप। क्या हुआ जय, स्टॉप। क्या हुआ जय, क्या हुआ जय? कॉलोनी आने से पहले तो स्कूटर से उतर क्यों गया जय? क्या बोलूं वीरू, शोले में जय और वीरू की लाइफ में सिर्फ एक ही गब्बर सिंह था, लेकिन हमारी लाइफ में दो दो गब्बर सिंह आई ना। तो ठीक कह रहा है जय, अगर उन्होंने हमें एक साथ देख लिया तो एक ही गोली से उड़ा देंगे। फॉर गॉड से ऐसी अशुभ बात मत बोलना। एग्जैक्टली 27 ईयर, 27 साल के बाद हम एक ही स्कूटर पे बैठे हैं। कितना मजा आ रहा था। तेरी ता, ओए पेशेंट, एना इंपेशेंट क्यों हो रहे हैं, की गल है? सिस्टर, स्टॉप 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 स्टॉप। चड्डे महाराज जी, राजा आपका नाती नहीं है। हे भगवान। अबीर जी, ये पेपर में की लिखा है? आपको हिंदी नहीं आती? ओ आती तो है, पर मैं अपना पढ़ने वाला चश्मा है ना वो कार भूल आई हूं। थैंक गॉड। ब्लडी रास्कल, सिस्टर जैसी नर्स को लव लेटर लिखते है। लव लेटर? अरे लव लेटर ही नहीं, आगे लिखता है अपना पति के सर पे बड़ा सा पत्थर मार कर मेरे साथ भाग चलो दूर गगन की चाव में। ओए तेरी ऐसी दी तैसी, तेनू मैं गगन दस दिया ते नाले गगन दी ठंडी छाव भी, तुसी हटो। और फिर मेरी नर्स को इतने चढ़ाया कि उसने उसके गले को दबाया, अब वो बिल्कुल ही नहीं बोल पाएगा। ये लोग भाग के कहाँ जा रहे हैं? लगता है कहीं शूटिंग चल रही है। शूटिंग? अरे चल चलो देखते देखते प्लीज। चलो चलो। हीरो कहाँ है? अरे राजा, राइटर जी, राइटर जी, राजा, राजा लकी, लकी
राजा तुम तो कमाल हो गया, कमाल हो गया। कितने दिनों के बाद मिल रहे, कहाँ हो तुम लोग, कैसे हो? अरे हम सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही है, शूटिंग वगैरह? अरे फिल्म बन गई तुम्हारी कहानी की? नहीं बनेगी कैसे, नहीं मेरी कहानी प्रोड्यूसर को इतनी पसंद आए कि मुझको कहने लगा स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग लिरिक राइटर डायरेक्शन सब कुछ तुम ही संभालो। अरे बधाई हो बधाई, तब तो हीरो भी तुम ही होंगे जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड खाम खाम मजाक उड़ा रहा है मेरा। अच्छा एक बात बताओ, कहानी क्या तुम्हारी? मेरी कहानी जो है क्या, माफ करना भाईजान, ये कहानी मेरी नहीं तुम्हारी है। एक कहानी जिसका हीरो अपना दिल ही नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी उस लड़की के नाम कर देता है। लेकिन भाईजान मुझे इस कहानी का दी एंड समझ में नहीं आ रहा, क्या लड़की अपने असली हीरो की कदर जान पाएगी या नहीं? क्या हीरो हीरोइन की शादी उसके प्रेमी से करा पाएगा? जॉनी क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ सर, मैंने अपनी आंखों से देखा। रंजीत देखना मेरी बात सच होगी। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, मेरी बात सच होगी। अच्छा देख लेते हैं। राजा, कम फास्ट राजा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्यों, क्या हुआ? देखो ना राजा, रंजीत चाहता है कि हमारी शादी चर्च में हो, और ये चाहती है कि शादी मंदिर में। अब आप ही फैसला कीजिए ना, इन दोनों चिट्ठियों में से एक चिट्ठी खोल कर बताइए कि हमारी शादी कहाँ होगी। मैंने तुम्हारे लिए कोई तीसरी जगह डिसाइड की है, कब्रिस्तान। कम ऑन फ्लोरेंस, फ्लोरेंस चलो। अंकल मेरी बात सुनिए। अरे कितनी बार कहा कि हमसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कर, और जाओ। कम ऑन फ्लोरेंस, फ्लोरेंस चलो, फ्लोरेंस छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। How can you do all this? It spoils the name of our family. समझ में नहीं आता है? संभालो इसे। क्या हुआ मोसेस? मोसेस, ऐसी नालायक लड़की को पैदा करने के जुर्म में तुम्हारे तो सिर्फ गाल पर चाटा पड़ा है, लेकिन हमारी तो इज्जत पर वार हुआ है, इज्जत पर। 27 साल पहले लगी आग में ये घी डालने की कोशिश कर रही है। इश्क करने के लिए तुझे मेरे दुश्मन का ही बेटा मिला है। दुश्मन का बेटा यानी रंजीत? यस रंजीत। इस घर में सिर्फ एक क्रिश्चियन दामाद आएगा, वरना दोनों घरों में कितनी अर्थियां उठेंगी ये कहना बहुत मुश्किल है। रंजीत एक बात पत्थर की लकी समझ ले, तू शादी करेगा तो इस घर में कोई हिंदू लड़की ही बहू बनकर आएगी, बस। ये मेरा आखिरी फैसला है, और मेरा फैसला भगवान भी नहीं बदल सकता। लकी चाचा जी मामा जी जो भी कहें, मेरा फैसला ये है कि मैं उन दोनों की शादी करवा के रहूंगा। मोजेस, मोजेस, क्या हुआ? फ्लोरेंस घर छोड़ के भाग गई। क्या? चलो जल्दी करो।
कुछ पता चला? सर सारा इलाका छान मारा पर वो कहीं नहीं मिले। अगर मेरी बेटी शाम तक घर नहीं पहुंची तो मैं उनके खानदान के एक भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। धर्मयुद्ध है ये, धर्मयुद्ध। हमारी इज्जत तो अब लगी है, हमारी गर्दन झुकी तो हम उनकी गर्दन काट देंगे, राख के ढेर में बदल देंगे। क्या करने जा रहे हैं आप लोग? ये सब तेरी वजह से हो रहा है। बोल, बोल, कहाँ छुपा रखा है उन्हें? बोल, बोल कहाँ है वो लोग? वरना करता हूँ तेरा क्रियाक्रम। बोल, बोल, वरना यही चलाकर रात कर। लॉरेंस और रंजीत कहीं नहीं गए अंकल, वो यहीं पर हैं और आप दोनों के आशीर्वाद के बिना वो शादी भी नहीं करेंगे। अंकल आपने कहा था ना कि आपका दामाद क्रिश्चियन ही होना चाहिए। कंग्रेचुलेशंस, वो क्रिश्चियन ही है लेकिन आपकी बेटी अब क्रिश्चियन नहीं रही। और आप जसी मामा, आपकी तो यही ख्वाहिश थी ना कि आपकी बहू एक हिंदू लड़की हो। वो हिंदू ही है लेकिन ये क्या, आपका बेटा हिंदू नहीं रहा? क्या सोच रहे हैं? यही ना कि दामाद बहू तो मिल गए अपने धर्म के लेकिन बेटा बेटी नहीं रहे अपने धर्म के। अब क्या करें मामा? करें तो क्या करें अंकल, किसकी जान ले, इसके धर्म के लोगों की या उसके धर्म के लोगों की? कहां लगाएं आग? क्योंकि किसी ना किसी को तो सबक सिखाना होगा ना, वरना वो बाजी ले गया तो नामुमकिन। जीत तो हमारे धर्म की होनी है, हमारी होनी है, मेरी होनी है, मेरी, मेरी। क्यों मामा, ये सब धर्म युद्ध जिहाद कन्वर्जन के पाखंडों के पीछे राज यही है ना? मेरा स्वार्थ, मेरा अहम, मेरी सत्ता, मेरी जीत। मैं तो कहता हूं आप दोनों को हाथ मिलाना चाहिए क्योंकि इन झगड़ों से आप लोगों ने साबित कर दिया है कि आप दोनों की कौम, धर्म, जात, भाषा एक ही है और वो है नफरत। जबकि धर्म का असली मतलब प्रेम के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। मत करिए इन प्रेमियों को एक दूसरे से अलग। बहुत हो गया जलना और जलाना, मरना और मारना। जिंदगी को भी थोड़ा सुकून से जी लेने दीजिए, इन्हें अपनी खुशी ढूंढने की इजाजत दे दीजिए ना। और वैसे भी आप शरीरों को ही अलग कर पाएंगे, किसी के दिल से उसके प्रेम को कहां अलग कर सकता है कोई। राजा, काका तू कितना भी कह ले, ये टेढ़ी तुम सीधी नहीं होगी। सूजा, तू अपने क्रॉस मुझे दे, तू अपनी माला मुझे दे दे। ए, आज से मेरा नाम शिवशंकर है। और मेरा नाम पीटर परेरा है। ओए जस्सी, जब तू पैदा हुआ था ना तो तुझे मालूम नहीं था कि तू हिंदू है कि क्रिश्चियन। होश संभालने के बाद मैंने ही तुझे बताया था कि तू हिंदू है। तुम्हारा बाप हिंदू, तुम्हारी बेटी हिंदू, फिर तुम क्रिश्चियन कैसे हो सकते हो? ओए 27 साल पहले हम भी तुम्हारी तरह पेश आए थे, उसके बदले बेटा बेटी का दुख सहते रहे। ये दोबारा तुम लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। इसलिए शादी के लिए मान जा। तेरा बाप तेरे सामने हाथ जोड़ रहा है, मान जा पुत्र, मान जा।
मैंने देखा है तो जाना है, मैंने दिल से आज ये माना है, तो प्यार भरे दिल जीत गए, मुझे खुशी इसी से पाना है, मैंने देखा है तो जाना है, मैंने दिल से आज ये माना है, तो प्यार भरे दिल जीत गए, मुझे खुशी इसी से पाना है। लकी, आज हमारा रोल खत्म हो गया, चलिए मेकअप उतार लेते हैं। अच्छा तू एक काम कर, ये भाड़े के कपड़े वापस कर दे और बसेस के टाइम का पता कर, जब तक मैं अपना सामान पैक कर लेता हूँ। राजा, ए स्माइल स्माइल, हंसना भी नहीं आता तुझे, चल। एक्चुअली मैं राजा, हमारा बेटा है ही नहीं। हाँ दादाजी, राजा फ्लोरेंस और रंजीत का दोस्त है, उन दोनों की शादी करवाने के लिए उसने सारा नाटक किया था, अगर वो ना होता तो आज ये दो परिवार एक ना होते। सुनिए जी, जरा इधर तो आइए। अरे जानता हूँ तू क्या कहना चाहती है, यही ना कि हम राजा को अपना ग्रैंडसन क्यों नहीं बना लेते। मैं ऐलान करता हूँ कि आज से राजा हमारा ग्रैंडसन है और हम उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तालियां तालियां। ओए ओए चड्डा, सिर्फ कहने से रिश्ता नहीं बनता। फिर असली रिश्ता तब बनेगा जब हमारी टीना की शादी राजा से करवाएंगे। लेकिन पहले राजा से तो पूछ लीजिए कि उसे ये रिश्ता मंजूर है कि नहीं। मैं राजा से बात करूंगी। हाँ, तेरा तो दोस्त है और तेरी बात वो जरूर मानेगा। नहीं फ्लोरेंस, मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों राजा, बोलो ना, तुमको मेरी कसम। क्योंकि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ। क्या, तुम किस लड़की से प्यार करते हो और मुझे आज तक पता नहीं चला? राजा, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। चलो जल्दी बताओ कौन है वो लकी लड़की, बताओ ना राजा, प्लीज बताओ ना। फ्लोरेंस, तुम जानकर क्या करोगी? मैं अभी दादाजी से बात करके उसी से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन क्यों राजा? क्योंकि उस लड़की की शादी हो चुकी है और वैसे भी वो लड़की मुझसे प्यार नहीं करती थी, किसी और से प्यार करती थी, उसी से उसकी शादी भी हो चुकी है। इट्स ऑल बैड लक राजा, तुम्हारा प्यार छोड़कर कहीं और चली गई। स्टूपिड गर्ल, प्लीज उसे कुछ मत कहो। पर राजा, उसको याद करके तड़पने से क्या फायदा? आई थिंक बेहतर यही है तुम शादी करके नई जिंदगी शुरू करो। फ्लोरेंस, प्यार फायदा नुकसान बेहतर बदतर थोड़ी सोचता है, वो तो बस हो जाता है, और जब ये एहसास दिलों में ही नहीं सांसों और नसों में भी दौड़ने लगता है तो फिर जगह ही कहां बचती किसी और को बसाने की। तो क्या ये तुम्हारा आखिरी जवाब है? आखिरी जवाब नहीं, फैसला है। फ्लोरेंस, मैं जानता हूँ इस फैसले से आप लोगों को दुख पहुंचेगा, लेकिन मुझे सुखी पहुंचेगा। चलता हूँ। राजा,
करते चलो प्यार।